पाकिस्तान से आया हूँ और मेरे आने की वजह है कि मैंने शाह जी की वीडियो देख देख के मैंने कहा हम भी कराची से गाड़ी खरीदें। लोग बोलते हैं कि भाई एहसन भाई पुराने मॉडल की गाड़ियाँ भी जो है वो ऐड की जाएँ, और 2008 मॉडल की ऑल्टो अभी हमारे पास मौजूद है, तो जो भी हमें जो है वो मॉडिफाई गाड़ियाँ जो है वो दिखाएँ और थोड़ी शशके वाली भी हों, थोड़ी पैसों में मुनासिब हों। तो पैसों की तो अभी मैं कि एहसन भाई कल्टे से दिखाएं, लेकिन ऐसी दिखाएं कि साफ सुथरी गाड़ियां हों, चमकती खड़ी हों। मतलब भी मेरे भाई बोल रहे थे कि एहसन भाई कोरे दिखा दें, ऑटोमेटिक गाड़ी दिखा दें, तो उन भाई के हवाले से कोई बहुत राय? अच्छा माशाल्लाह, आप सबसे गाइड बहुत अच्छा करते हैं, अच्छे तरीके से चीज़ें बताते हैं जो हमको घर पे बैठ के वीडियो में भी समझ में आती है, वरना ये कि बाकी लोगों की हम वीडियो भी देखते हैं समझ में कुछ नहीं आता। अरे जज़ाकअल्लाह। 1996 मॉडल की होंडा सिविक हमारे पास मौजूद है, तो जो भी 1984 मॉडल की स्टारलेट अभी हमारे पास मौजूद है, तो जो भी एहसान भाई तोहफा है, तोहफा आपके व्यूअर्स के लिए बेहतरीन तोहफा लेके आए हम। 2018 मॉडल है और 24 की इंपोर्ट है, पहले दूसरे महीने की इंपोर्ट है। 2011 मॉडल की VXR कल्टस अभी हमारे पास मौजूद है, तो जो भी एहसन भाई आप रश वगैरह मिनी पजीरो और इस तरीके की गाड़ियां अलग अलग जो है वो ऐड करा करें। बोलते हैं ना कि एहसन भाई मिनी पजीरो हो कोई मार्केट से तो हमें बताएं कि भाई मिनी पजीरो भाई बोलते हैं कि एहसन भाई कोई FX मार्केट से ढूंढ के निकाला करें, लेकिन कम रेट में जो हो, कम बजट में हो। मेरे भाई बोलते हैं कि एहसन भाई ऑल्टो भी ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया करें, मेहरान दिला दें कोई पुराने बैकवर्ड थोड़े से मॉडल हों, तो ये गाड़ी आप लोगों के लिए जो है वो लेके आए हैं। तो दोस्तों निसान क्लिपर 17-22 हमारे पास मौजूद है, तो जितने भी मेरे बात करते हैं कि एहसन भाई आप पुराने मॉडल जो है वो मेहरान के लिए दिखाते हो जो कि रेंज में हमारी जो है वो आ जाए। बोलते हैं ना कि एहसन भाई 15 से भी अंदर अंदर गाड़ी जो है वो कोई दिखा दें, तो भाइयों कम कीमत में आप लोगों के लिए विट्स लेके आ गया हूँ। 7 मॉडल अभी हमारे पास मौजूद है, तो जो भी मेरे भाई बोल रहे थे कि एहसन भाई होंडा सिटी जो है वो कोई दिखा दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है एहसन शाह, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज है दोस्तों 31 मार्च और अभी जो टाइम हुआ है वो हुआ है 2 बजे का। तो अभी मैं आप लोगों को मार्केट की कुछ सूरत हाल दिखा दूँ कि भाई रमज़ानों में ये आप चेक कर लें, ये पीछे वाला है सब पूरा खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ कुछ गाड़ियाँ जो है वो पीछे वाली साइड पर वहाँ पर लगी हुई आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। इसी तरीके से यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे पीछे एक लाइन मौजूद है और जो मेन पट्टी होती है जहाँ पर यानी कि एंट्रेंस है मेन, वहाँ पर जो है वो कुछ गाड़ियाँ मौजूद हैं। तो बहुत सारे मेरे भाई बोल रहे होते हैं कि एहसन भाई रिपीटेड गाड़ियाँ हो जाती हैं, बहुत सारे लोग जो गाड़ियाँ बना रहे होते हैं आप भी वही बना रहे होते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो सबसे पहले यहाँ पहुँच जाता हूँ, जो गाड़ियाँ मैं बनाता हूँ उसके बाद फिर वो लोग गाड़ियाँ जो है वो ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा सीन होता है भाई। लेकिन कोशिश वही होती है कि भाई अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आप लोग के लिए जो है वो ऐड की जाएँ। तो बस अभी जो है वो मार्केट पर पहुँच चुका हूँ, मार्केट स्टार्ट हो रही है, तो बस अभी कोशिश करूंगा कि जितनी अच्छी गाड़ियाँ हो सके वो आप लोगों के लिए ऐड कर लूँ। आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो नीचे आके कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आप लोग की गाड़ी को इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में मैं आप लोगों के लिए जो है वो ज़रूर ऐड करूँ। तो बस अभी वीडियो को यहाँ से जो है वो स्टार्ट करते हैं। 1984 मॉडल की स्टारलेट अभी हमारे पास मौजूद है, तो जो भी मेरे भाई बोल रहे थे ना कि एहसन भाई कोई तैयार गाड़ी जो है वो हमारे लिए लेके आए जिसकी सारी चीज़ें नहीं हों, लेकिन अंदर से गाड़ी जो है वो ओरिजिनल हो, इंजन रूम उसका ओरिजिनल होना चाहिए, तो मैंने बोला चलें यार ये गाड़ी भी आप लोगों ने जो है वो ऐड कर लें। तो गाड़ी आप लोग चेक करें, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने गाड़ी तैयार करी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में जो है ये गाड़ी है। गाड़ी की लाइट्स, फ्रंट की ग्रिल, बम्पर्स, ईच एंड एवरीथिंग अगर आप देखें तो बिल्कुल सुथरी कंडीशन में ये गाड़ी आप लोगों को जो है वो नज़र आ रही होगी। तो इसका एक पूरा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दूंगा कि क्या क्या हिसाब किताब है, बाकी गाड़ी के ऑनर से जब बातचीत करेंगे तो मज़ीद जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। गाड़ी के अंदर अलार्म वगैरह भी आप लोगों को जो है वो नज़र आ रहे होंगे, यहाँ से आप लोग सारी साइडें जो है मेरे साथ साथ देख लें, बाकी चलते हैं। इसी तरीके से पूरा एक मैं आप लोगों को साइड व्यू दे रहा हूँ, यहाँ से आप लोग गाड़ी को जो है वो चेक करें। बाकी बैक साइड की अगर बात करें हम गाड़ी की इसी तरीके से, तो ये आप लोग देख सकते हैं गाड़ी की जो बैक की दोनों लाइट्स हैं वो बिल्कुल ठीक आप लोग को नज़र आ रही होंगी, सारे मोनोग्राम्स वगैरह प्रॉपर इन्होंने क्रोम करवा के अच्छे से जो है वो लगाए हुए मेंटेन किए हुए हैं। बाकी टायर की ग्रिप्स की बात करें तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ से आप लोग जो है वो गाड़ी की जो टायर हैं उनकी ग्रिप्स भी एक नज़र जो है वो देख सकते हैं। बाकी अंदर चलते हैं, डिग्गी चेक कर लेते हैं भाई गाड़ी की, कि गाड़ी की डिग्गी जो है वो आप लोगों को किस कंडीशन में मिलती है। तो यहाँ से हम इसको जो है वो खुलवा लेते हैं, भाई आ चुके हैं हमारे साथ, तो ये आप लोग चेक करें जिस तरीके से गाड़ी ऊपर से साफ़ सुथरी है, इसी तरीके से यहाँ से पूरी डिग्गी वगैरह क्लियर आप लोग को नज़र आ रही होगी। यहाँ तक कि आप बैक जो बैक की सीट होती है ना उसके पीछे की जो सीट है वो भी आप देखें, वो भी डिटेलिंग में, वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। साइड के सारे गत्ते आप लोग देख लें, पैनल्स देख लें, ये बिल्कुल साफ़ हैं। इसके बाकायदा स्क्रू जो होते हैं वाले खोलने वाली पट्टियाँ होती हैं वो भी लगी हुई हैं, यहाँ से आप देखें ये सारा कंप्लीट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। साउंड सिस्टम इसके अंदर जो है वो लगा हुआ है,
बाकी ऊपर आ जाते हैं तो कब्जे बिल्कुल क्लियर, यानी कि गाड़ी में कोई एक रस्ट का नामो निशान नहीं है, गाड़ी जो है वो बिल्कुल क्लियर है। गाड़ी की रूफ़ एक नज़र आप लोग यहाँ से देख लें, इनसाइड वाली वो भी क्लियर आप लोगों को दिख रही होगी। बाकी हम अंदर चलते हैं, गाड़ी के दरवाजे वगैरह चेक कर लेते हैं कि भाई गाड़ी के दरवाजे वगैरह आप लोगों को किस तरीके से मिलते हैं। तो ये चेक कीजिएगा, ये देखिए, तो ये वाला सीन है भाई, इस तरीके की गाड़ी इन्होंने बनाई है। सारी नीचे की साइड गोलाइयाँ वगैरह देख लें, गाड़ी के पिलर्स और गत्तों की अगर बात की जाए तो इंटीरियर उन्होंने पूरा बनवाया हुआ है, यानी कि जिसको हम बोलेंगे हर चीज़ मैचिंग से अंदर बनी हुई है। गत्ते आप लोग चेक करें, दरवाज़ों की साइडें चेक करें, इसी तरीके से अंदर आ जाते हैं तो गाड़ी की जो सीट्स हैं वो बिल्कुल सुथरी कंडीशन में शॉपर ऑपर चढ़ी हुई है इसके ऊपर पूरी, नीचे रबर मैट्स चले हुए हैं गाड़ी के अंदर, रबर मैट्स के नीचे पूरी शीट ब्लैक कलर में जो है वो लगाई हुई है इन्होंने। फ्रंट साइड से मैं आप लोगों को गाड़ी जो है वो विजिट करवाऊँ तो ये भी देखें, ये भी इसी तरीके से, मतलब सारे दरवाजे जो है ना इन्होंने वो बिल्कुल परफेक्ट इसके बनाए हुए हैं। बाकी दरवाज़ों की ये साइड है, ठीक है जी, डोर पैनल्स, नीचे से गाड़ी की फुटपैरियाँ, ऊपर से जो गाड़ी के पिलर्स हैं ये भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी अंदर आ जाते हैं तो डैशबोर्ड नॉट आउट बहुत साफ़ सुथरी कंडीशन में है बिल्कुल, यानी कि जिसको बोलेंगे ना कि चमकती हुई कंडीशन में जो है इन्होंने रखा हुआ है गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह, शेयरिंग वगैरह आप लोग देखें, मीटर वगैरह भी अंदर से बिल्कुल साफ़ करवाए हुए हैं इन्होंने। नीचे आ जाते हैं तो भाई सीट्स आप लोग देख लें, सीट्स गाड़ी की बिल्कुल क्लियर हैं। अब चलते हैं, चल के गाड़ी का इंजन रूम देखते हैं भाई, इंजन रूम से गाड़ी किस कंडीशन में आप लोगों को मिलती है। सो ये आप लोग जो है वो चेक करें गाड़ी, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि भाई अंदर से इन्होंने पूरी ओरिजिनल रखी हुई है और नो डाउट इतना पुराना मॉडल होने के बाद भी इतना साफ़ सुथरा इंजन रूम, ये तो एक इन्होंने अच्छे ही कारनामा अंजाम दिया है। ड्राइव बैटरी मौजूद है, ये आप लोग चेक करो, बिल्कुल साफ़ सुथरे कुप्पे हैं इस गाड़ी के। बैक की जो शील्ड है वो क्लियर आप लोग को जो है वो नज़र आ रही होगी। और इसी तरीके से दूसरी साइड का अगर हम बात करें तो ये पूरा पैनल चेक करें, यहाँ से भी बिल्कुल क्लियर आप लोगों को मिल जाएगी। ऊपर से बोनट की बात करूँ तो अंदर से देखें बोनट भी पूरा कलर नहीं है, ये यहाँ पर सारा ओरिजिनल इन्होंने इस तरीके से रखा हुआ है। अब चलते हैं गाड़ी के ऑनर से मजीद बातचीत करते हैं और मालूम करते हैं भाई क्या डिमांड कर रहे हैं इस गाड़ी की। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं वसीम भाई, और वसीम भाई का इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा आप लोगों को करा दूँ। भाई ये अपने हाथ से गाड़ियाँ तैयार करते हैं, ये जितना हमें ईजी लगता है ना कि हम देखते हैं गाड़ी चमक रही है खड़ी हुई, इसको तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। और ये वो शख्स है जो खुद ये सारी गाड़ियाँ तैयार कर रहा होता है। कैसे हैं आप सर? खैरियत से ठीक हैं? सर क्या टाइम लग गया इस गाड़ी को तैयार करने में, थोड़ा सा बताया हमें। ये तकरीबन महीना खा गई गाड़ी, महीना खा गई, महीना लगा इस पे गाड़ी पे। बाकी ये बाहर से पूरी कलर हुई है, अंदर से जेनियन है, इंजन रूम जेनियन है, बाकी झड़पक वगैरह सब कलर है, ठीक है। और बाकी इसके इंटीरियर पूरा ऐसे ही मैचिंग का बनाया है, ग्रे और ब्लैक में दिया है, सीटें वगैरह सब पत्ते वगैरह हर चीज़ बनी गाड़ी में, ठीक है। यानी कि ए टू जेड सब काम हुआ है इसके अंदर, काम हुआ है इंजन अपना, अपने इंजन पे गाड़ी, बाकी एसी का कंप्लीट सामान लगा हुआ है, खाली गैस चार्जिंग वगैरह होगी और बेल्ट वगैरह नहीं लगेगी। यानी कि गाड़ी जब तैयार होने से पहले एसी गाड़ी में ऑन था, लेकिन अभी फिलहाल हमने चेक नहीं कराया एसी का, ठीक है। अभी आपने चेक नहीं कराया, क्या पता बेल्ट वेल्ट लगाए ऑन हो जाए, क्या पता शायद ऑन करवा लूँ गाड़ी में एसी, ठीक है। वो चीज़ें भी जो है ऑन हो जाए, पेपर वेपर क्लियर है इस गाड़ी के, क्लियर है फाइल, क्लियर है, क्लियर है टैक्स, क्लियर है। एवरेज वगैरह क्या करती है ये गाड़ी? तकरीबन 13-14 का एवरेज देती है, ठीक है। 13-14 का एवरेज दे रही है, क्या जायज पैसे मुनासिब देने वाले? देखो मुझे एक बात बताऊं, मैं वसीम भाई देने वाले रेट बताना, बिल्कुल देने वाले मैं बोलूंगा, अगर कोई अच्छी ऑफर देता ना मेरे ही सब्सक्राइबर तो उसको दे दें बस। 5.5 लाख रुपये की इसकी डिमांड है, बाकी ये जब कोई कॉन्टेक्ट करेगा तो थोड़ी बहुत गुंजाइश निकाल देंगे। चलिए जी, 5.5 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं गाड़ी की, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप लोग बातचीत करेंगे तो जो पैसे होंगे मुनासिब वो वसीम आप लोग के लिए कर देगा। वसीम अपना नंबर हमारे साथ शेयर करते हैं, 0317 0317 4726 4726 359 359। कराची में कहाँ देखें? नॉर्थ कराची पावर हाउस। चलिए लोकेशन पे ही गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं, शुक्रिया। 2009-2015 टोयोटा रश हमारे पास मौजूद है, फुल ऑप्शन वाली। तो जो भी मेरे भाई बोलते हैं कि हसन भाई आप रश वगैरह, मिनी पजीरो और इस तरीके की गाड़ियां अलग अलग जो है वो ऐड करा करें, बेसिकली छोटी जिप्स ज़्यादातर जो है वो दिखाया करें, तो भाइयों जितनी कोशिश होती है मैं गाड़ियां कोशिश करके आप लोगों के लिए ऐड कर रहा होता हूँ और सारी गाड़ियाँ आप लोगों को दिखा रहा होता हूँ। इस गाड़ी के हवाले से बात की जाए तो भाई से मैंने बातचीत की है, भाई बता रहे हैं कि भाई गाड़ी इन्होंने पूरी जो है वो ऑरिजिनल रखी हुई है, कोई पीस इसका टचअप नहीं करवाया है। लेकिन ये कि जाहिर सी बात है आप लोग को पता है, जब मैं गाड़ी के ऑनर से बातचीत करता हूँ तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ कि भाई क्या हिसाब किताब है हमारे साथ जो है वो सारी चीज़ें गाइड करें हमें। तो इसी तरीके से चलते हैं, एक पूरा ओवरव्यू आप लोग को दिखाते हैं, तो सारी साइड है आप लोग मेरे साथ साथ जो है वो एक नज़र देखें। बाकी हम इसी तरीके से अगर बात करें गाड़ी की बैक साइड की, तो यहाँ से आप लोग देखें गाड़ी का जो बैक है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में है। एक्स्ट्रा टायर का जो कवर वगैरह है ये चीज़ें भी इसके ऊपर लगी हुई आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। दोनों जो गाड़ी की लाइट्स हैं उसमें कोई टूटा फूटा मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में है। राइट हैंड साइड भी मैं आप लोगों को यहाँ से जो है वो एक नज़र दिखाऊं, तो ये भी आप लोग देख लें, यहाँ से आप लोग को एक पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ।
यहाँ पर भी कोई स्क्रैचेस या कोई डेंट्स वगैरह गाड़ी पे मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। गाड़ी के टायर्स की ग्रिप की बात करें तो ये भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं एक नज़र, यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो ग्रिप्स वगैरह भी ठीक लग रही हैं। बाकी चलते हैं अब इस गाड़ी का इंटीरियर देखते हैं, इंटीरियर से गाड़ी किस कंडीशन में आप लोगों को मिलती है। तो सबसे पहले तो मैं बैक साइड से डिग्गी आप लोगों को जो है वो एक नज़र दिखाऊँ। तो यहाँ से जब हम लोग इंटर होते हैं तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं, इसकी जो सारी डोरियाँ वगैरह हैं बिल्कुल क्लियर हैं, नीट एंड क्लीन हैं। गत्ते वगैरह आप लोग देख लें बिल्कुल साफ़ रखे हैं इन्होंने। अंदर आ जाते हैं, नीचे की सारी साइड है, ऊपर से गाड़ी की जो सारी कॉर्नर्स होते हैं, पिलर्स होते हैं दोनों, वो मैं आप लोगों को एक नज़र जो है वो दिखा रहा हूँ। बाकी पीछे भी पूरा यहाँ पर शीट वीट अच्छे से जो है वो मेंटेन हुई भी है, तो सामान है भाई का उसको हम छेड़ेंगे नहीं। यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा दूँ टूल्स वगैरह रखे हुए हैं, और नीचे भी कोई आप लोगों को इतना कोई ख़राब नहीं नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, ऊपर से रूफ़ देख लें इंटीरियर साइड की, बाकी दरवाजे चल के देखते हैं भाई दरवाज़ों से गाड़ी कैसी है। ये यहीं से हम लोग आ जाते हैं भाई, गाड़ी के दरवाजे वगैरह भी आप लोगों को दिखा दें, तो ये चेक कर लें। नीचे से गाड़ी की जो फुट पैरियाँ हैं वो क्लियर आप लोगों के सामने हैं, ऊपर से गाड़ी के पिलर्स यहाँ से देख सकते हैं, डोर पैनल्स पे पूरी पॉलिशिंग वगैरह अच्छी सी प्रॉपर हुई हुई है, दरवाज़ों की जो सीलें हैं वो यहाँ से आप लोगों को कंप्लीट नज़र आ रही होंगी। फ्रंट साइड पे चलते हैं भाई, फ्रंट साइड का डोर आप लोगों को एक नज़र दिखाते हैं, तो यहाँ से भी आप लोग जो है वो एक नज़र देख लें। सारी जो इसकी डोरियाँ वगैरह हैं ये क्लियर आप लोगों के सामने है। ठीक है जी, डोर पैनल साफ़ हैं, फुट पैरियाँ नीचे से, ऊपर से गाड़ी के पिलर्स। बाकी अंदर आ जाते हैं, गाड़ी के अंदर एंड्रॉयड पैनल वगैरह लगा हुआ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, बाकी डैशबोर्ड वगैरह भी गाड़ी का बिल्कुल सुथरी कंडीशन में है। चलते हैं चल के गाड़ी का इंजन रूम देखते हैं, इंजन रूम से गाड़ी किस कंडीशन में। तो यहाँ से मैं गाड़ी का इंजन रूम भी आप लोगों को एक नज़र जो है वो विजिट करवा दूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग गाड़ी की जो फ्रंट पट्टी है वो देख सकते हैं, गाड़ी की फ्रंट पट्टी बिल्कुल साफ़ है, और साइडों से गाड़ी के कुप्पे वगैरह की बात करें तो यहाँ से आप लोग देखें गाड़ी के कुप्पे भी आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहे होंगे। बैक की जो शील्ड है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और इसी तरीके से दूसरी साइड का कुप्पा भी आप लोग देखें। ड्राई बैटरी वगैरह लगी हुई है गाड़ी के अंदर साफ़ सुथरी। बाकी ऊपर आ जाते हैं तो जो बोनट की सारी सीलें हैं देखें, बोनट की सारी सीलें आप लोगों को क्लियर जो है वो नज़र आ रही होंगी। अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं, ज़रा उनसे बातचीत करते हैं और गाड़ी की मज़ीद मालूमात ले लेते हैं। सो अभी हमारे साथ मौजूद हैं आलमगीर साहब जो ये गाड़ी लेके आए हुए हैं। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का जी। सर इस गाड़ी के बारे में डिटेल हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। हाँ, गाड़ी ये 2009 मॉडल है, 2015 की रजिस्टर है, फुल ऑप्शन है, 4x4 है, इको सिस्टम है, और गाड़ी में किसी किस्म का कोई भी काम नहीं है। गाड़ी बॉडी से भी टोटल जेन्युइन है, फुल ऑप्शन गाड़ी है और नीट एंड क्लीन है। ठीक है सर, अपने इंजन पे ये गाड़ी? अपने इंजन पर है। कितना सीसी गाड़ी है सर ये? 1500 सीसी। क्या एवरेज करती है सर ये गाड़ी? ये लॉन्ग पर देती है तकरीबन 15 से 18 तक, और लोकल में 10 से 14 तक। ठीक है, और कितना चली हुई गाड़ी है? ये 1.5 लाख चली हुई। 1.5 लाख जो है वो चली हुई। ऑनर कितने सर इस गाड़ी के? सेकंड ऑनर गाड़ी है। सेकंड ऑनर जो है गाड़ी। अच्छा, आपने ओरिजिनल बताई, पूरी ओरिजिनल गाड़ी? ओरिजिनल गाड़ी, खुदा ना खासा कोई और पीस तो नहीं है? कोई चेक वेक करवाए बोले यार ये चेक करवाए? टोटल बॉडी से टोटल जेन्युइन। ठीक है सर, क्या जायज मुनासिब देने वाली डिमांड रखी आपने? 10-20-30-50 की डिस्काउंट हो जाएगी, इतना लंबा। क्या डिमांड क्या बताई सर आपने? 34 लाख रुपए। 34 लाख रुपए, तो भाई 34 लाख रुपए गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। 9-15 की ये गाड़ी है। गाड़ी की डिटेल्स भाई ने हमारे साथ शेयर की नहीं, किसी भाई कोई गाड़ी पसंद आती है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सर नंबर अपना शेयर कीजिएगा। 0312-5367-4400। कराची में कहाँ देखेंगे सर ये गाड़ी? ये अजमेर नगरी। चले अजमेर नगरी पे ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। चले शुक्रिया बहुत बहुत भाई। तो दोस्तों अभी हमारे साथ मौजूद हैं अनवर शाहिद साहब। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कहाँ से आए हुए आप? मैं मुल्तान से आया हूँ, और मेरे आने की वजह है कि मैंने शाह जी की वीडियो देख देख के मैंने कहा हम भी कराची से गाड़ी खरीदे। सर क्या बात है, इतनी मोहब्बत हो गई है। अरे जजाकला सर, भाई भाइयों की भाई मोहब्बत है, आते हैं मिलते हैं मार्केट में। भाई अल्लाह करे आपको भी आज अच्छी सी गाड़ी मिल जाए, बस दुआ कीजिए इंशाल्लाह ताला शाम तक आपको कोई जरूर अच्छी गाड़ी मिलेगी। आज की वीडियो में आज मौजूद है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। 2011 मॉडल की ऑल्टो अभी हमारे पास मौजूद है। तो जो भी मेरे भाई बोलते हैं कि एहसन भाई ऑल्टो भी ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया करें, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि भाई मुनासिब रेंज में जो है वो यही गाड़ियां रह गई हैं कि कल्टस हो गई, ऑल्टो हो गई, मैरान हो गई, यही ज़्यादातर अभी जो है वो सेल पर चल रही हैं। तो इस गाड़ी के हवाले से अगर बात करें तो गाड़ी जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में इन्होंने जो है वो रखी हुई है, ओरिजिनल नंबर प्लेट्स वगैरह लगी हुई हैं गाड़ी के ऊपर। गाड़ी का आप लोग फ्रंट जो है वो एक नज़र चेक कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली व्हील कैप्स वगैरह गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। गाड़ी के टायर के ग्रिप्स की अगर बात करूं तो वो भी नज़दीक से मैं आप लोगों को एक नज़र जो है वो दिखा रहा हूं, यहां से आप लोग देख सकते हैं। बाकी चलते हैं कि इसका पूरा ओवरव्यू आप लोगों को दिखाते हैं। तो सारी साइडें वाइडें आप लोग मेरे साथ साथ जो है वो देखें,
पूरा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी है, कोई इस पर एक्स्ट्रा स्क्रैचेस वगैरह या कुछ ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। गाड़ी की बैक की जो दोनों लाइट्स हैं वो बिल्कुल ठीक आप लोगों के सामने मौजूद हैं। बैक पे भी ओरिजिनल नंबर प्लेट्स जो है वो लगी हुई हैं। तो भाई रमज़ान में थोड़ी आवाज़ मेरी कम निकल रही है तो आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि धूप अभी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बस ये कि अभी लगे हुए हैं कि कुछ ना कुछ करके वीडियो जो है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो सारी साइडें मैं आप लोगों को जो है वो दिखा रहा हूँ, यहाँ कोई स्क्रैचेस कोई डेंट्स वगैरह आप लोगों को नज़र नहीं आए होंगे। बाकी इसी तरीके से हम अगर बात करें गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर में सबसे पहले डिग्गी हम लोग जो है वो इस गाड़ी की चेक कर लेते हैं भाई। तो ये आप चेक कर लें, गाड़ी की जो हाइड्रोलिक्स हैं दोनों वो ठीक हैं, काम कर रही हैं। डिग्गी की साइडों की सीलें आप लोग जो है वो एक नज़र देख सकते हैं। बाकी ऊपर वाली साइड से भी मैं आप लोगों को दिखा दूं, लॉक पट्टी वाली जो साइड होती है ये भी आप लोग देख लो। नीचे आ जाते हैं, इसमें जो है वो सीएनजी वगैरह मौजूद है। नीचे के दोनों कॉर्नर्स करीब से जो है वो देखें, बाकी सीएनजी वगैरह वर्किंग में है या नहीं है वो गाड़ी के ऑनर से भी हम लोग सारी चीज़ें जो है मालूम कर लेंगे। गाड़ी की रूफ़ वगैरह भी अंदर से साफ़ है। अब चलते हैं, चल के ज़रा दरवाजे वगैरह चेक करते हैं भाई किस तरीके से आप लोग को जो है मिलते हैं। तो ये आप लोग चेक कर लें, नीचे से आप लोग गाड़ी की जो सारी फुट पैरियाँ हैं वो चेक कर सकते हैं, ऊपर से गाड़ी के पिलर्स आप लोग एक नज़र जो है वो देखें, दरवाज़ों के पैनल्स, दरवाज़ों की जो किनारों की डोरियाँ हैं वो देख लें, क्लियर आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। गाड़ी के इंटीरियर की अगर बात की जाए तो गाड़ी का जो सीट्स वगैरह हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में आप लोग को मिल रही हैं। नीचे रबर मैट्स जले हुए हैं दोनों तरफ। ऊपर से अगर बात करूँ रूफ़ की, तो रूफ भी यहाँ से क्लियर आप लोगों को नज़र आ रही होगी। गाड़ी का फ्रंट साइड का डोर हम लोग जो है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से भी मैं आप लोगों को दिखाऊं, नीचे से फुट पैरियाँ, ऊपर से गाड़ी के पिलर्स, और इसी तरीके से दरवाज़ों की जो सारी किनारियाँ होती हैं ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं। गाड़ी के डैशबोर्ड वगैरह की बात की जाए तो गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में है। बाकी गाड़ी की सीट्स आप लोग यहाँ से एक नज़र देख लें, गाड़ी की सीट्स भी आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही होंगी। गाड़ी का चलते हैं इंजन रूम चल के देखते हैं कि भाई इंजन रूम से गाड़ी आप लोगों को किस कंडीशन में मिलती है। सो इंजन रूम की तरफ आ चुके हैं भाई। सबसे पहले आप लोग गाड़ी की जो फ्रंट की पट्टी है वो एक नज़र जो है वो देख सकते हैं, गाड़ी की फ्रंट पट्टी क्लियर नज़र आ रही होगी। बाकी अंदर से आप लोग गाड़ी का इंजन रूम वगैरह चेक करें, ये भी बिल्कुल इन्होंने सुथरा रखा हुआ है, कोई डस्ट वगैरह नहीं है, यहाँ से आप लोग जो है वो चेक करें। और इसी तरीके से गाड़ी का जो दूसरी साइड का कुप्पा है वो भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं। गाड़ी के ऊपर से मैं बोनट आप लोग को दिखा दूँ, तो यहाँ से आप लोग गाड़ी का बोनट चेक कर लें। गाड़ी के ऑनर के पास चलते हैं, मज़ीद मालूम लेते हैं इस गाड़ी के बारे में, गाड़ी की क्या डिमांड कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं शफीक भाई जिनकी ये गाड़ी है। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सर गाड़ी के बारे में डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें। ये गाड़ी भाई हम 2011 अगस्त की गाड़ी है, सेकंड ओनर गाड़ी है, 60,000 चली हुई है टोटल, तीन पीस टचअप है इसके। तीन पीस के अलावा गाड़ी पूरी ओरिजिनल है, गारंटी के साथ है और काम कोई नहीं है। फैक्ट्री ऐसी सीएनजी वाली गाड़ी है, ये नई बैटरी है, सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, यूएसबी डैग है, टायर बिल्कुल ओके है, काम एक रुपए का नहीं है, ले और चला, एसी चिल्ड है इसका। ठीक है, एसी सीएनजी पेट्रोल तीनों चीज़ें ऑन है, तीनों चीज़ें ऑन है, टैक्स क्लियर है, फाइल क्लियर है। ठीक है, क्या पैसे बोलना है सर इस गाड़ी? डिमांड रखी हमने 10,85,000 और मुनासिब सर देने वाले की, बिल्कुल एक ही बात होगी, 10,50,000 में देनी फाइनल, 10.5। चले 10.5 लाख रुपये में गाड़ी मिल जाएगी। किसी भाई को गाड़ी पसंद आती है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सर, नंबर अपना शेयर कीजिएगा। 0300-2198-9804-02 कराची में कहाँ देखेंगे सर गाड़ी? पार्क PCCS ब्लॉक 2 तारिक रोड। चलें इस लोकेशन पे ही गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं, शुक्रिया। 1986 मॉडल की FX अभी हमारे पास मौजूद है। तो जो भी मेरे भाई बोलते हैं कि हसन भाई कोई FX मार्केट से ढूंढ के निकाला करें लेकिन कम रेट में जो हो, कम बजट में हो, तो ये गाड़ी अभी मुझे नज़र आई तो मैंने बोला चलो यार ये गाड़ी आप लोग इन्हें जो है वो ऐड करते हैं। गाड़ी आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं, गाड़ी का एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। गाड़ी की जो फ्रंट साइड है वो देखने बिल्कुल साफ़ सुथरी आप लोगों को जो है वो नज़र आ रही होगी। गाड़ी की जो फ्रंट की नंबर प्लेट्स हैं वो भी ओरिजिनल हैं और मेरे ख्याल से इन्होंने इसके अंदर प्रोजेक्शन जो है वो डाले हुए हैं। आगे लेंस तो नज़र आ रहे हैं अब, लेकिन ये कि भाई से मैं भी कन्फर्म कर लूँगा कि लेंस हैं या वैसे ही इन्होंने नॉर्मल अंदर शेड वगैरह कुछ डाला हुआ है, तो वो सारी चीज़ें भी पूछेंगे। बाकी साइड ग्लास वगैरह इन्होंने वाले डाले हुए हैं जो फेंडर्स पर लगे हुए होते हैं, नॉर्मली व्हील कैप्स गाड़ी के ऊपर जो है मौजूद हैं। इसी तरीके से बाकी आप साइडें वगैरह जो है वो चेक करें, पूरा एक ओवरव्यू आप लोग यहाँ से जो है वो देखें। बाकी गाड़ी की अगर हम बैक साइड की बात करें, गाड़ी की बैक साइड भी मैं आप लोगों को यहाँ से जो है वो एक नज़र दिखा रहा हूँ। जो बैक की दोनों लाइट्स हैं गाड़ी की वो क्लियर जो है वो आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। गाड़ी की बैक साइड पर भी ओरिजिनल नंबर प्लेट जो है वो लगी हुई है और इसी तरीके से गाड़ी की जो राइट हैंड साइड है वो भी आप बैक साइड से देख सकते हैं। अब चलते हैं, चल के गाड़ी का ज़रा इंटीरियर वगैरह जो है वो देख लेते हैं, इंटीरियर से गाड़ी आप लोगों को किस कंडीशन में मिलती है।
तो यहाँ से मैं आप लोग को ये गेट खोलते हैं, पहले हम ये वाला देख लेते हैं फ्रंट साइड का। तो ये आप लोग देख लें नीचे की साइडें वाइडें जो है वो आप लोग देखें, ठीक है जी। नीचे से गाड़ी की फुट पैरियाँ, ऊपर से गाड़ी के पिलर्स, अंदर आ जाते हैं गाड़ी के डैशबोर्ड वगैरह की बात करें तो भाई डैशबोर्ड भी आप लोग यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। बाकी गाड़ी की जो सीट्स हैं फैब्रिक वाले सीट कवर्स वगैरह गाड़ी के ऊपर जो है वो चढ़े हुए हैं। बाकी बैक साइड अगर मैं दिखाऊँ तो उसका गेट हम खोल लें पहले। सो यहाँ से भी आप लोग चेक कर लें, जो बैक वाला डोर है वो भी मैं आप लोग को यहाँ से जो है वो दिखा रहा हूँ। नीचे की साइड है, ऊपर से गाड़ी के जो पूरे पिलर्स हैं वो आप लोग देखें, और अंदर से सीट्स की अगर बात की जाए तो जैसे मैंने आप लोग को बताया फैब्रिक वाले सीट कवर्स वगैरह गाड़ी के अंदर जो है वो लगे हुए हैं। गाड़ी का चलते हैं इंजन रूम देखते हैं एक नज़र, इंजन रूम से गाड़ी कैसी है ये। सो गाड़ी का इंजन रूम भी आप लोग को एक नज़र दिखाऊँ तो सबसे पहले फ्रंट साइड वगैरह आप लोग जो है वो एक नज़र देखें, ठीक है जी। इसी तरीके से गाड़ी के जो कुप्पे हैं मैं आप लोग को यहाँ से नज़दीक से जो है वो दिखा रहा हूँ। बैक की शील्ड वगैरह भी जो है वो आप लोग देख लें, और इसी तरीके से दूसरी साइड का कुप्पा भी देखें। तो ये एक ओवरव्यू है भाई, ये उन लोगों के लिए गाड़ी है जो बोलते हैं थोड़ी कम रेट में जो है वो गाड़ी हो, तो ये उन भाइयों के लिए गाड़ी ऐड की है। अभी भाई से बातचीत करते हैं और मुनासिब इसके रेट वगैरह पूछते हैं। अरसलान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। सर एफएक्स लेके आए हुए हैं, इसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें। जी जी, क्या मॉडल है सर ये? सर 1986 का मॉडल है। ठीक है सर, चलने में कैसी है गाड़ी? इंजन है माशाल्लाह, इंजन इसका पूरा भी ओवरऑल जनरल बनवाया, सस्पेंशन में गाड़ी अच्छी है, डॉक्यूमेंट्स में क्लियर है, कुछ टैक्स पेड है वो मैं पार्टी से डील पे डिपेंड करता है, भर के दे। ठीक है। अच्छा सर, पुराना मॉडल है गाड़ी, कलर है पूरी, खुदा ना खासा एक्सीडेंट तो नहीं है कोई? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीडेंटल नहीं। क्या पैसे बोल रहे हैं सर? 1,65,000 इसकी डिमांड। ठीक है, 1,65,000 रुपए डिमांड कर रहे हैं गाड़ी आप लोगों ने देख ली। किसी भाई को गाड़ी पसंद आती है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर बताइएगा अपना। 0315-0315-2033-2033-444-444। कराची में कहाँ देखेंगे सर ये गाड़ी? सर ये बफर जोन में, सेक्टर 16 है, इस लोकेशन पे गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया। 1988 मॉडल की लैंड क्रूजर अभी हमारे पास मौजूद है। तो जो भी मेरे भाई शौकीन है, जो लोग बोलते हैं कि भाई एहसन भाई पुराने मॉडल की गाड़ियां भी जो है वो ऐड की जाएं, और जाहिर सी बात है एंटीक कार्स की जो डिमांड होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा लवर्स हैं हमारे पास, तो ये गाड़ी उन लोगों के लिए जो है वो ऐड कर रहा हूँ। और गाड़ी की पूरी जो डिटेल्स हैं वो गाड़ी के ऑनर से अच्छे से जो है मालूम की जाएंगी। अभी हाल फिलहाल आप लोग गाड़ी जो है वो एक नज़र देख लें, गाड़ी का फ्रंट वगैरह मैं आप लोग को एक नज़र जो है वो दिखा रहा हूँ। और ज़्यादातर भाई ये शौकीन लोग ही रखते हैं ये गाड़ियाँ, क्योंकि उनके खर्चे भी बड़े होते हैं, क्योंकि डीजल होती हैं 2700 सीसी होती हैं। 12 का खैर मेरे ख्याल से इंजन इसके अंदर बता रहे हैं, लेकिन ये कि जाहिर सी बात है मैं गाड़ी के ऑनर से और मजीद कंफर्म कर लूँगा कि भाई क्या हिसाब किताब है। टायर वायर अच्छे से डाले हुए इन्होंने, स्टेपनीज वगैरह ये देखें, कलर वगैरह करके काफ़ी अच्छा सा टेक्सचर दिया हुआ है गाड़ी को। चलते हैं गाड़ी का एक पूरा राउंड पहले आप लोग को दिखाते हैं, तो सारी साइडें वगैरह आप लोग मेरे साथ साथ जो है वो चेक करें, पूरा एक ओवरव्यू मैं आप लोग को जो है वो दे रहा हूँ। और इसी तरीके से अगर हम गाड़ी की बैक साइड की बात करें तो गाड़ी का जो बैक है वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टायर वगैरह गाड़ी के ऊपर जो है वो मौजूद है, बाकी पीछे हुक वगैरह इस तरीके से भी लगा हुआ है, टूइंग जो होता है इसका वो भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। बाकी हम इसी तरीके से गाड़ी की जो राइट हैंड साइड है वो भी आप लोग यहाँ से जो है वो दिखा देते हैं। अब चलते हैं, चल के गाड़ी का इंटीरियर चेक करते हैं कि भाई इंटीरियर से गाड़ी किस कंडीशन में आप लोग को मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं भाई ड्राइविंग साइड से, इंटर होते हैं गाड़ी के अंदर। तो यहाँ से हम लोग जब इंटर होते हैं गाड़ी में, आप लोग को यहाँ से विज़िट करवाऊँ दरवाज़ों की जो साइडें हैं, पहले आप लोग ये चेक कर सकते हैं दरवाज़ों की सीलें वगैरह आप लोग यहाँ से जो है वो देख लें। बाकी डोर पैनल्स की अगर बात करें, गाड़ी की डोर पैनल्स वगैरह साफ नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को। नीचे आ जाते हैं, गाड़ी की जो फुट पैरियाँ हैं वो आप लोग चेक कर लें एक नज़र, ठीक है जी। ऊपर से गाड़ी के जो पिलर्स हैं वो आप लोग जो है वो एक नज़र देख सकते हैं। बाकी अंदर आ जाते हैं तो एंड्रॉयड पैनल गाड़ी के अंदर जो है इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। बाकी 4x4 वगैरह मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और मैनुअल ट्रांसमिशन पर ये गाड़ी है। गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह बिल्कुल साफ़ है, और गाड़ी की जो सीट्स हैं वो भी आफ्टर मार्केट सीट कवर्स वगैरह गाड़ी के बने हुए हैं, तो ये चीज़ें भी आप लोग को बिल्कुल सुथरी कंडीशन में मिल रही हैं। गाड़ी की रूफ़ अंदर से मैं आप लोग को दिखा दूं तो ये वाली साइड आप लोग चेक कर सकते हैं, जिस तरीके से गाड़ी की फ्रंट सीट इन्होंने पूरी बनाई है इसी तरीके से बैक साइड से भी गाड़ी पूरी तैयार है। तो ये एक ओवरव्यू है। गाड़ी का इंजन रूम रहता है वो भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि भाई गाड़ी इंजन रूम से आप लोगों को किस कंडीशन में मिलती है। तो इंजन रूम की तरफ आ चुके हैं भाई, यहाँ से भी गाड़ी मैं आप लोग को एक नज़र दिखाऊँ तो इसका थोड़ा सा बोनट जो है वो भारी होता है, कोशिश करके आप लोगों को दिखा देते हैं भाई। ये आप चेक कर लें, जो फ्रंट पट्टी वगैरह है वो पहले आप लोग एक नज़र जो है वो देख लें। बाकी इसी तरीके से सारी साइडें मैं आप लोगों को दिखा दूं, बैक की जो शील्ड है वो भी आप लोग जो है वो एक नज़र देख सकते हैं। तो ये कम्प्लीट व्यू है भाई इस गाड़ी का। गाड़ी के ऑनर की तरफ चलते हैं और इस गाड़ी की मज़ीद मालूमात जो है वो ले लेते हैं।
सो अभी हमारे साथ मौजूद हैं मुरसलीम भाई, कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मुरसलीम भाई, इस गाड़ी के बारे में डिटेल दें सर, क्या मॉडल है, इंजन, सस्पेंशन, ईच एंड एवरीथिंग हमें इस गाड़ी के बारे में बताएं। सर मॉडल इसका जो है 88 मॉडल है और ये एमिनेट्स की गाड़ी कहलाती है। ठीक है, एक ऑप्शन मार्ट होती है, एमिनेट्स की होती है। एमिनेट्स की, ठीक है, एमिनेट्स की गाड़ी है ये। और इसकी जो शावर हुई है वो फर्स्ट टाइम शावर हुई है, पूरी जेन्युइन अंदर बाहर से जो है जेन्युइन गाड़ी है ये। और दूसरा ये है कि इसका इंटीरियर जो है बहुत ज़बरदस्त इसका इंटीरियर है और ये अभी न्यू बनवाई है गाड़ी। ठीक है, आपने रिसेंटली जो है ये गाड़ी तैयार करी है। अच्छा, इंजन वगैरह सब इसका अपना है या चेंज है? इसका अपना इंजन है और अपनी बॉडी है। ठीक है, 2L का इसके अंदर इंजन, 2L इंजन है इसका, डीजल इंजन, डीजल इंजन है 2500 cc। क्या एवरेज वगैरह करता है ये इंजन? इसका एवरेज जो है वो 14-15 का एवरेज जाता है, प्लस 14-15 का, यानी बिल्कुल प्लस ही होता है, माइनस नहीं होता। ठीक है सर, डॉक्यूमेंट वगैरह हर चीज़ वगैरह इसके हर चीज़ जो है वो क्लियर है। टैक्स वगैरह जो है बायर मतलब पे करें या हम पे करें वो तो खैर डिसाइड हो जाएगा, क्लियर करा के देंगे आप। सर क्या इसकी डिमांड कर रहे हैं? इसकी डिमांड जो है वो 18 लाख रुपये। 18 लाख रुपए जो है वो गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। गाड़ी आप लोगों ने देख ली है, ऊपर से शावर है, अंदर से ओरिजिनल बता रहे हैं। गाड़ी में कुछ भी काम नहीं है, ऑलरेडी गाड़ी जो है पूरी जेन्युइन कंडीशन में है और बिल्कुल रेडी। ये इस कंडीशन में है कि अगर अभी इस वक्त भी इसमें कोई डीजल डलवा के पाकिस्तान टूर करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। हम लोग इसमें आना जाना हमारा लगा रहता है इस्लामाबाद वगैरह, यानी कि लॉन्ग रूट पे ये गाड़ी बिल्कुल बिल्कुल जा सकती है इन्हीं टायरों पे, इसी कंडीशन के अंदर ये इस्लामाबाद से हम लोग आना जाना करते रहते हैं। ठीक है, अगर किसी भाई कोई गाड़ी पसंद आती है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सर, अपना नंबर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। 03178980109। ठीक है, कराची में कहाँ देखें सर ये गाड़ी? गुलशन-ए-मेमार में ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। चलें, शुक्रिया। 1988 मॉडल की होंडा सिविक हमारे पास मौजूद है। तो जो भी मेरे भाई बोलते हैं ना कि एहसन भाई हमें जो है वो मॉडिफाई गाड़ियां जो है वो दिखाएं और थोड़ी शशके वाली भी हों, थोड़ी पैसों में मुनासिब हों, तो पैसों की तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन देखते हैं भाई, कोशिश करते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं क्या पता वो मुनासिब पैसों में दे दें। अच्छा, टायर वायर इन्होंने फुल जो है वो इसकी स्टेपनीज जो है वो हॉलो बनवाई हुई है, हॉलो स्टेपनीज इसमें बनी हुई हैं, टायर बाहर करे हुए इन्होंने स्पेसर डाल के, और काफ़ी अच्छा सा एक लुक जो है वो आ रहा है गाड़ी का। क्योंकि भाई अब आपको पता है पाकिस्तान में जो कम प्राइस में जो है वो ज़्यादातर मॉडिफाई करने वाले लोग हैं वो उसी तरीके से जो है वो गाड़ियाँ मॉडिफाई करते हैं आजकल। बाकी इंजन वगैरह भी इन्होंने स्वैप नहीं करा है, इंजन वगैरह वही नॉर्मल इसके अंदर मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें भी अभी हम मालूम करेंगे सब चीज़ें से जब गाड़ी के ऑनर से बात करेंगे। गाड़ी अभी हाल फिलहाल आप लोग देख लो, गाड़ी का फ्रंट आप लोगों ने देखा है, गाड़ी की पूरी एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को जो है वो दे रहा हूँ, सारी साइड वाइड आप लोग देखें। गाड़ी की बैक साइड पर जो है वो आ चुके हैं, गाड़ी की बैक साइड आप लोग चेक कर लें, बैक की जो इसकी टेल है वो पूरी क्लियर आप लोगों को साफ़ सुथरी जो है वो नज़र आ रही होगी। आफ्टर मार्केट लाइट बेसिकली इसमें बनी हुई है इन्होंने, ट्रांसपेरेंट वाले वो जिसको बोलते हैं ना ग्लास, उस तरीके से जो इन्होंने बनाया है, तो काफ़ी अच्छा सा लुक ये भी जो है वो दे रही है। बाकी हम बात करें गाड़ी किसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड से भी जो है वो आप लोग देखें, लेफ्ट हैंड साइड से भी आप लोग जो है वो देखें। बाकी अभी चलते हैं इसकी डिग्गी वगैरह खुलवा लेते हैं भाई, डिग्गी वगैरह भी चेक करते हैं। सो बैक साइड से मैं आप लोगों को दिखा दूं, तो भाई ये आप लोग देख लें, अभी बैक साइड पे इन्होंने इतना ज़्यादा वर्क नहीं किया। क्यों भाई, ऐसी क्या हो जाती यार, ये भी साफ सुथरा कर लेते हैं। अच्छा, अभी ये तैयार हो रही थी लेकिन अभी पैसों की नीड हो गई थी इस वजह से। ओके ओके, यानी कि समझ लें हाफ प्रोजेक्ट आप सेल कर रहे हैं, इस वजह से कम पैसों में दे रहे हैं। चलिए जी, तो आप देख लें गाड़ी पहले देख लें, फिर भाई से कम्प्लीट एक इंटरव्यू लेंगे क्या है भाई, आप लोग देख लें अंदर से पूरा ओरिजिनल इन्होंने इसी तरीके से रखा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं की है। किनारियाँ ठीक है जी, दोनों साइड से आप देखें, ऊपर से आप लोग गाड़ी को देख लें, ये वाली सारी साइडें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ डिग्गी की। बाकी चलते हैं अब दरवाजे देखते हैं भाई, दरवाजे किस तरीके से आप लोग को मिल रहे हैं, यहीं से इंटर हो जाते हैं भाई। ये चेक कर लें आप लोग नीचे की सारी साइडें, ठीक है जी, इंटीरियर वगैरह इन्होंने ओरिजिनल रखा हुआ है, इसके अंदर कोई छिड़खानी नहीं की है। ये वाली सारी साइडें देखें, ठीक है, डोर पैनल्स देख लें, गाड़ी की जो सीट्स हैं वो भी मैं आप लोग को एक नज़र जो है वो दिखा रहा हूँ। ऊपर से गाड़ी की जो रूफ़ है वो आप लोग यहाँ से जो है वो एक नज़र देख सकते हैं। बाकी फ्रंट पे चलते हैं भाई, फ्रंट साइड से भी गाड़ी देख लेते हैं, यहाँ से भी आप लोग जो है वो एक नज़र देखें, दरवाज़ों के नीचे के कॉर्नर्स, गाड़ी के डोर पैनल्स, नीचे से गाड़ी की फुटपैरियाँ, ऊपर से गाड़ी के पिलर्स। बाकी अंदर आते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसफर, ऑटोमेटिक ओरिजिनल है सर ये? नहीं, ये इंजन डाला हुआ है। इंजन डाला हुआ है ना आपने, मैंने यही तो पूछा था इंजन स्वैप किया हुआ है, आपने बोला ओरिजिनल है। अच्छा चलें, ऑटो डाला हुआ है, ठीक है, ऑटोमेटिक भाई इंजन मिल रहा है। और मैं बोलता हूँ कि इतने पैसों में भी ऑटोमेटिक गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कि आपके भाई ने अब ढूंढ के निकाल ही लिए, तो चलो कोई नहीं, फ़ायदा उठा लो यार आप लोग भी। तो ये आप चेक कर सकते हैं, गाड़ी की सीट फिट दिखा दिए, चलते हैं ज़रा फ्रंट साइड से अब इसका गाड़ी का इंजन रूम चेक कर लेते हैं किस तरीके से है। तो भाइयों मैं तो पहले बोलूँगा, देखें जो कम रेंज में ऑटोमेटिक गाड़ी ढूंढ रहे हैं ना, फिर बाद में नहीं बोलिएगा कि भाई गाड़ी सेल हो गई, क्योंकि इस रेंज में ऑटो कुछ नहीं आता।
गाड़ी की फ्रंट साइड देख लें आप लोग, ये इन्होंने ओरिजिनल रखा हुआ है इसके अंदर, इसमें इन्होंने कोई छेड़खानी नहीं करी हुई है। इंजन उनकी हल्की सी डिटेलिंग इन्होंने की हुई है, जो इसका ये आगे का हुड है ये इन्होंने जो है वो कलर किया हुआ है, ऊपर का टैपेट कवर। कुप्पे गाड़ी के दोनों आप लोग नज़दीक से जो है वो देख लो, बैक की जो शील्ड है वो आप लोग जो है वो देख सकते हो, और इसी तरीके से जो है वो दूसरी साइड का कुप्पा भी जो है वो आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक पूरा ओवरव्यू है भाई गाड़ी का। अब चलते हैं गाड़ी के ऑनर से, ज़रा बातचीत करवाते हैं आप लोगों की, मजीद मालूम देते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं भाई फराज भाई। फराज भाई ये गाड़ी लेके आए हैं, कैसे हैं सर? आप खैरियत से हैं? सर पहली बात तो ये आप प्रोजेक्ट कर रहे थे, ठीक है जी, फिर आपको बीच में छोड़ना पड़ा है, अल्लाह खैर करे। इसकी डिटेल हमारे साथ शेयर करें, क्या मॉडल, क्या क्या काम करवाया, क्या क्या काम बाकी है। ये 88 का मॉडल है, इसमें सिर्फ रिम डाले हुए और कलर करवाई है। ये नाडो कलर कहलाता है, अभी इसका रबिन भी नहीं हुई है, रबिन बाकी है अभी, यानी कि रबिंग भी करवाएंगे अभी। इंजन वगैरह कौन सा डला हुआ है? इंजन इसमें ऑटो ओरिजिनल डला हुआ है, मतलब ओरिजिनल जो इंजन था वो मैनुअल था, लेकिन हमने ऑटो डलवाया है, ठीक है, चेंज किया है, लेकिन उसको मैनुअल से ऑटो जो है वो कन्वर्ट करवा दिया आपने, ठीक है सर। अभी गाड़ी के अंदर कोई काम हो? अभी गाड़ी में सस्पेंशन ओके है, इंजन से भी ओके है गाड़ी। भाई ये छोटा मोटा दरवाजों का काम है, यानी कि लॉक वगैरह भाई यही काम है। जो बॉडी का छलका फुलका छोटा काम दिख रहा है, जैसे डिग्गी की सफाई वफाई हो, ये सारी चीजें हो, तो गाड़ी और सुथरी जो है वो जाए। पेपर वेपर क्लियर है इस गाड़ी के? पेपर क्लियर है, CPLC से ओके है गाड़ी, ठीक है। आपके नाम पे ये गाड़ी? नहीं नाम पे नहीं है, नाम पे करवानी, नाम पे करवानी पड़े। क्या एवरेज वगैरह कर रही है अभी ये गाड़ी? एवरेज तो सही है इसका, नॉर्मली जो होता है गाड़ियों का, ठीक है, यानी कि 7-8-10 जी 8, और बाकी रनिंग अच्छी रनिंग अगर लंबी जैसे लॉन्ग ड्राइव पे आप जा रहे हैं तो 10-11 का एवरेज, 10-11 का, क्योंकि सिविक में यही मसला होता है कि 8 से 10 या 12 बस हद हो गई, इससे ज़्यादा ऊपर जाती नहीं है। क्या पैसे जायज़ मुनासिब बिल्कुल देने वाले बताइए, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं ना वो बोलते हैं भाई जो गाड़ी समझ में आती है ना बस डन करो। बिल्कुल देने वाले जो है इसके 340 हैं, बस इससे नीचे नहीं। कोई ऑफर लगी मार्केट में अभी? अभी अभी आया हूँ। अच्छा, जस्ट अभी अभी आया और मैंने पकड़ लिया है भाई को, तो चलिए जी अच्छी ऑफर लगाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको सौदा बन जाएगा भाई। ऑटोमेटिक गाड़ी 340,000 रुपये अपने मुँह से भाई बोल रहे हैं, बाकी जो कमी होगी बातचीत करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको सौदा बनेगा। नंबर अपना बताइएगा सर। 0315-0315-2535-2533-443-443। कराची में कहाँ देखेंगे सर? अजीज़ाबाद लोकेशन पे ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं, शुक्रिया। 1998 मॉडल की महरान अभी हमारे पास मौजूद है। तो भाई महरान वाले हमारे भाई बोलते हैं, शिकायत करते हैं कि हसन भाई आप पुराने मॉडल जो है वो महरान की नहीं दिखाते हो, जो कि रेंज में हमारी जो है वो आ जाएँ। तो भाई आप लोग के लिए ये गाड़ी जो है वो लेके हाजिर हुए हैं, गाड़ी आप लोग जो है वो चेक कर लें, गाड़ी का फ्रंट वगैरह देखें, गाड़ी आप लोगों को क्लियर जो है वो नज़र आ रही होगी, गाड़ी की नंबर प्लेट्स वगैरह देख लें, ओरिजिनल लगी हुई है गाड़ी के ऊपर। तो भाई पुराने मॉडल थोड़े से रेट में ऊपर होते हैं, लेकिन ये कि फिर भी इन्होंने थोड़ी जायज़ मुनासिब थोड़ी सी डिमांड करी, तो मैंने बोला चलो यार ये गाड़ी आप लोगों को दिखाते हैं, क्या पता हमारे किसी भाई की रेंज में जो है ये गाड़ी आ जाए। तो गाड़ी की साइडें वाइडें आप लोग मेरे साथ साथ जो है वो देखें, पूरा ओवरव्यू मैं आप लोगों को जो है वो दे रहा हूँ, अच्छे से जो है वो गाड़ी आप लोग देख लें। गाड़ी की बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आप लोग गाड़ी का जो बैक है वो भी चेक कर सकते हैं, बैक की दोनों लाइट से एक नज़र जो है वो आप लोग देखें, पूरा ओवरव्यू मैं आप लोग को अच्छे से जो है वो दे रहा हूँ। और इसी तरीके से गाड़ी की जो राइट हैंड साइड है वो भी आप लोग देखें। अब चलते हैं चल के गाड़ी का इंटीरियर चेक कर लेते हैं भाई। इंटीरियर में सबसे पहले डिग्गी, तो यहाँ से भाई इसको हम खोल लेते हैं, तो ये थोड़ा सा हमें हाथ से उठानी पड़ी, लेकिन ठीक है पुराने मॉडल में इतना तो चलता ही है। ऊपर की साइड है वाइड है आप लोग के सामने है जो कंडीशन है, ठीक है जी। नीचे की साइड है आप लोग जो है वो देख लें, डिग्गी की जो कंडीशन है वो भी आप लोगों को एक नज़र से मैं दिखा रहा हूँ। सो ये एक पूरा ओवरव्यू है भाई बैक साइड का भी, ऊपर से जो है वो जो लॉक पट्टी की साइडें हैं ये दोनों साइड से आप लोग जो है वो देखें। अब चलते हैं चल के गाड़ी के दरवाजे वगैरह देख लेते हैं भाई, दरवाज़ों से गाड़ी आप लोगों को किस कंडीशन में मिलती है। तो यहाँ से इंटर हो जाते हैं भाई हम लोग गाड़ी के अंदर, गाड़ी की फुट पैरियाँ, ऊपर से गाड़ी के जो पिलर्स हैं वो आप लोग देखें, दरवाज़ों के जो पैनल्स हैं डोर पैनल्स नीचे की साइड है सारी वो भी आप लोग देख सकते हैं। अंदर आ जाते हैं, गाड़ी की जो सीट्स हैं वो साफ़ सुथरी आप लोगों को दिख रही होंगी। मतलब जो थोड़ा बहुत है देखें पुराने मॉडल हैं, इन्होंने अपने हिसाब से मेंटेन किए हुए हैं, आप लें इसको और अच्छा मजीद जो है वो बना सकते हैं। ऊपर से रूफ़ में एक नज़र आप लोग को जो है वो दिखा रहा हूँ, बाकी ये कि फ्रंट साइड से भी देख लेते हैं भाई फ्रंट साइड का किस तरीके से आप लोगों को मिल रहा है। नीचे से इसी तरीके से फुट पैरियाँ आप लोग देख लें, ऊपर से गाड़ी के पिलर देखें, मेन मेन चीज़ें हैं ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बाकी दरवाज़ों के कॉर्नर दरवाज़ों की सीलें आप लोगों को क्लियर जो है वो नज़र आ रही होंगी, नीचे वाले कॉर्नर तो आप लोग देख सकते हैं। डैशबोर्ड वगैरह की बात करूँ, डैशबोर्ड वगैरह आप लोगों के सामने है, हल्की फुल्की फाइडिंग वगैरह जो है वो आप लोगों के सामने मौजूद है। बाकी एक सीट्स फ्रंट साइड की भी उसी तरीके से कपड़े वाली जो है वो इसकी सीट्स वगैरह आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। तो ये एक ओवरव्यू है, बाकी चलते हैं चल के गाड़ी का इंजन रूम देखते हैं, इंजन रूम से गाड़ी कैसी है।
तो इंजन रूम की तरफ आ चुके हैं, इंजन रूम भी आप लोग को दिखाएं। सबसे पहले आप लोग फ्रंट पट्टी जो है वो एक नज़र देखें, इसके अलावा गाड़ी के कुप्पे में नज़दीक से आप लोग को जो है वो दिखा रहा हूँ, पूरा एक ओवरव्यू आप लोग देख सकते हो। इसी तरीके से गाड़ी की जो बैक की शील्ड है वो भी क्लियर है, दूसरी साइड का कुप्पा आप लोग देख लें। अच्छा, ज़्यादातर लोग देखें रस्ट आप लोग को जो नज़र आ रहा होगा ना, वो इस वजह से है कि भाई कलर नहीं करवाते, क्योंकि देखें कलर जब करवा दिया तो फिर सब लोग ये बोलते हैं भाई अंदर बाहर से गाड़ी कलर हो गई, तो उसकी और डी वैल्यू हो जाती है। यहाँ पर पाकिस्तान में थोड़ा सा ये चक्कर है हमारे यहाँ पे। तो अभी गाड़ी आप लोगों ने देख ली, आप गाड़ी के ऑनर से मजीद मालूम लेते हैं भाई क्या हिसाब कर रखा है उन्होंने इस गाड़ी का। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं सलमान भाई, जिनकी ये गाड़ी है। कैसे हैं सर आप, खैरियत से हैं? सर आपकी दुआ। सर गाड़ी के बारे में डिटेल लें, इंजन से सस्पेंशन से कैसी ही चल रही है? सर गाड़ी के अंदर कोई काम वगैरह नहीं है, इंजन बिल्कुल अपडेट है, सस्पेंशन वगैरह भी ओके, कोई काम वगैरह नहीं है। 98 का मॉडल है, 3,30,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, बड़ा आपने कोई सारी चीज़ें जो है बता दी। अच्छा, टायर मुझे थोड़े से हल्के लग रहे हैं, खुदा ना खासा पंचर वंचर तो नहीं हो रही है? पंचर वगैरह नहीं है, ट्यूबलेस टायर है, बस ये है कि 50-50 समझ लें। 50-50 समझ लें इसके टायर्स को। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप क्लियर बता रहे हैं गाड़ी की? क्लियर है। कोई एक्सीडेंट तो नहीं है, कोई कुप्पा तो नहीं बना गाड़ी का? कोई एक्सीडेंट नहीं है, अंदर से आपकी बिल्कुल ओरिजिनल है, बाहर से शावर लगा है गाड़ी को। ठीक है, क्या पैसे बोले आपने? 3,30,000 रुपये। और कुछ मुनासिब हो जाएंगे ना हमारे व्यूअर्स के लिए? बिल्कुल मुनासिब हो जाएंगे आपके व्यूअर्स के लिए। चलिए जी, 3,30,000 रुपये गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं, 98 का ये मॉडल है। किसी भाई को गाड़ी पसंद आती है, कांटेक्ट नंबर शेयर कर लेते हैं सर, अपना नंबर हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, नंबर आप नोट कर लें, 0314-222-1613। कराची में कहाँ देखेंगे? बिल्कुल कराची में औरंगी टाउन में खड़ी होती है गाड़ी, लोकेशन पे ही गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया। तो दोस्तों 99+ हमारे पास मौजूद है मेहरान, तो जो भी मेरे भाई बोलते हैं कि हसन भाई मेहरान दिला दें कोई पुराने बैकवर्ड थोड़े से मॉडल हों, तो ये गाड़ी आप लोग के लिए जो है वो लेके आए हैं। गाड़ी आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं, रेड कलर में गाड़ी है, अलॉय रिम वगैरह गाड़ी के अंदर जो है वो डले हुए हैं। गाड़ी की जो फ्रंट साइड वगैरह है वो आप लोग चेक कर लें, गाड़ी की जो लाइटें वाइटें हैं वो ठीक ठाक हैं, नंबर प्लेट वगैरह आप लोग को जो है वो ये थोड़ा सा मुझे अभी मेरे ख्याल से नॉर्मल डली हुई है, इसके अंदर ओरिजिनल डली हुई है तो ओरिजिनल डली हुई है, लेकिन अभी मुझे इतना अच्छा फोकस नहीं हो रहा है, सॉरी भाई, धूप बहुत ज़्यादा थी सुबह से। तो साइड वाइडें आप लोग देख लें, गाड़ी की क्लियर आप लोग के सामने है जो है कंडीशन, कोशिश करता हूँ भाई अच्छे से आप लोग को जो है वो दिखा दूँ। बाकी जाहिर सी बात है जब मैं बातचीत करता हूँ गाड़ी के ऑनर से तो और ज़्यादा मजीद इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ कि भाई क्या हिसाब किताब है जो है मुझे बताएं। तो गाड़ी का फ्रंट आप लोगों ने देखा, गाड़ी की बैक साइड पर जो है वो हम लोग आ चुके हैं। बैक की जो दोनों लाइट्स हैं वो आप लोग देख लें, क्लियर आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। बैक पे भी ओरिजिनल नंबर प्लेट जो है वो गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। टायर वायर इसके ठीक ठाक हैं, यानी कि क्रिप्स वगैरह मुझे सही नज़र आ रही हैं, हाल फिलहाल लेके जो है वो चला सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक ओवरव्यू भी आप लोगों को दे दूँ नज़दीक से बिल्कुल, तो ये आप लोग जो है वो चेक कर लें। बाकी गाड़ी का इंटीरियर चेक करते हैं भाई, इंटीरियर से गाड़ी किस तरीके से मिलती है, तो यहीं से इंटर हो जाते हैं भाई। पहले डिक्की आप लोगों को एक नज़र जो है वो चेक कराते हैं। तो डिक्की भाई थोड़ी सी भारी है इसकी, तो यहाँ से आप लोग देख लो ऊपर की दोनों साइडें मैं आप लोगों को जो है वो दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, इसी तरीके से जो डिक्की की सारी साइडें हैं वो देखें, ऊपर वाली लॉक पट्टी मैं आप लोगों को दिखाऊँ, तो ये कंप्लीट ओवरव्यू है। बाकी नीचे आ जाते हैं, सीएनजी रिमूव्ड है इसमें से, टायर वायर रखा है, एक्स्ट्रा जो है वो पानी वगैरह इसके अंदर मौजूद हैं। बाकी चलते हैं, चल के दरवाजे वगैरह भी चेक करते हैं कि भाई दरवाज़ों से गाड़ी किस तरीके से आप लोगों को मिलती है। तो यहीं से इंटर हो जाते हैं भाई, ये आप लोग चेक कर लें, नीचे की सारी साइडें वगैरह जो है वो देख लें। अच्छा, कलर है ये गाड़ी यहाँ से भी, यहाँ से भी इस तरीके से इन्होंने बनाई हुई है। बाकी दरवाज़ों की कॉर्नर सारी साइडें आप लोग जो है वो देखें, अंदर से सीट्स वगैरह की अगर मैं बात करूं गाड़ी की, सीट्स आप लोग यहाँ से जो है वो एक नज़र देख सकते हैं। नीचे नॉर्मल जो है वो मैट वगैरह डले हुए हैं, ऊपर से गाड़ी की रूफ भी आप लोग जो है वो देख लें। बाकी फ्रंट साइड में चलता हूँ, फ्रंट साइड किस तरीके से है भाई वो भी आप लोगों को दिखाऊँ। तो यहाँ से आप लोग पहले तो नीचे से गाड़ी की फुट पैरियाँ फ्रंट साइड की, ठीक है जी, इसी तरीके से गाड़ी के पिलर्स, और दरवाज़ों की अगर बात करें तो दरवाजे भी यहाँ से मैं एक नज़र जो है वो आप लोग को एक नज़र दिखा रहा हूँ। बाकी अंदर से गाड़ी का जो डैशबोर्ड वगैरह है वो आप लोग के सामने, इस पर धूप की कोई इतनी ज़्यादा पैडिंग मुझे नज़र नहीं आ रही, साफ है गाड़ी। बाकी सीट्स वगैरह यहाँ से आप लोग जो है वो देख लो। गाड़ी का इंजन रूम चल के देखते हैं, इंजन रूम से गाड़ी आप लोगों को किस तरीके से जो है मिलती है। सो ये आप लोग चेक कर लें, फ्रंट पट्टी वगैरह जो है वो एक नज़र देख लें गाड़ी की, ठीक है जी। ड्राई बैटरी गाड़ी के अंदर मौजूद है, गाड़ी के कुप्पे नज़दीक से जो है वो देखें। बैक की शील्ड वगैरह एक नज़र मैं आप लोग को जो है वो दिखा रहा हूँ, और इसी तरीके से दूसरी साइड का जो कुप्पा है ये भी आप लोग जो है वो देख सकते हो। बाकी ऊपर से बोनट एक नज़र देख लें, चलते हैं गाड़ी के ऑनर के पास और मजीद मालूमात लेते हैं गाड़ी के बारे में। सो अभी हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हाशिर साहब, जिनकी ये गाड़ी है। कैसे हैं सर आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। हाशिर भाई, गाड़ी के बारे में डिटेल्स दें सर, क्या हिसाब किताब है गाड़ी का? ये 2099 मॉडल है, 99+ है ये, ठीक है। इसकी डिमांड है 3,50,000 रुपये।
हर चीज़ से गाड़ी ओके, सस्पेंशन ये है कि छोटा मोटा काम है 2-3 हज़ार का बस, बाकी और कोई काम नहीं है गाड़ी के। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि भाई मैंने राइट हैंड साइड का जो इसका कुप्पा देखा, मुझे ऐसा लग रहा है बना हुआ है, तो बना हुआ है या नहीं ये कंफर्म करना? नहीं, ओरिजिनल है। ओरिजिनल है, जो कलर वाला हल्का फुल्का लगा हुआ है वो लगा हुआ है? जी हाँ, हल्का फुल्का है, ज़्यादा वो नहीं है, मैं रस्टिंग की वजह से थोड़ा बहुत कर दिया था। ठीक है जी। ये दोस्तों गाड़ी की डिटेल्स हैं, गाड़ी ऊपर से कलर है, अंदर से इंजन वगैरह आप लोगों को दिखाया, गाड़ी पूरी दिखाई, क्या जायज़ पैसे मुनासिब हो जाएंगे सर इसके? 3.5 लाख रुपये मांग रहे हैं। ठीक है, मुनासिब हो जाएंगे कुछ सर? कुछ कमी पेशी कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, जो मुनासिब होंगे इंशाल्लाह ताला बातचीत करें। आप लोग अपना नंबर हमारे साथ शेयर कीजिएगा सर। 03140314 3222161613 कराची में कहाँ देखें? ये औरंगी टाउन में लिख सकती है गाड़ी। चलें, औरंगी टाउन में ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया। 2008 मॉडल की ऑल्टो अभी हमारे पास मौजूद है, तो जो भी मेरे भाई बोल रहे थे कि हसन भाई ऑल्टो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऐड कर दी जाए, तो ये गाड़ी जो है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में जो है ये गाड़ी है। गाड़ी का लुक वगैरह आप लोग देख लें, इंटीरियर वगैरह भी काफ़ी अच्छा था जो है भाई ने बना रखा है, तो सारी डिटेल्स वगैरह आप लोग के साथ जो है वो शेयर करूँगा किस तरीके से ये गाड़ी। तो पहले आप लोग गाड़ी का फ्रंट देखें, गाड़ी के अंदर ऑरिजिनल नंबर प्लेट्स हैं, गाड़ी की दोनों लाइट्स बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में है, कोई स्क्रैचेस नहीं है, कोई डेंट्स नहीं है। चलते हैं, इसका एक पूरा ओवरव्यू देखते हैं गाड़ी किस तरीके से आप लोग को मिल रही है। तो सारी साइड मेरे साथ साथ जो है वो आप लोग देखें, इसी तरीके से गाड़ी की बैक साइड भी मैं आप लोग को एक नज़र जो है वो दिखाऊं। तो यहाँ से आप लोग गाड़ी की जो बैक की दोनों लाइट्स हैं वो देख सकते हैं, गाड़ी की दोनों लाइट्स आप लोग के सामने साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद हैं। बैक पर ओरिजिनल नंबर प्लेट्स जो है वो मौजूद है, जैसे कि फ्रंट पर आप लोगों ने देखा था। बाकी नॉर्मली जो है वो व्हील कैप वगैरह लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी की टायर्स की अगर बात करें तो वो मैं आप लोग को नज़दीक से यहाँ से जो है वो दिखा रहा हूँ, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं, चल के ज़रा इंटीरियर वगैरह चेक करते हैं। इंटीरियर में सबसे पहले मैं आप लोगों को गाड़ी की जो डिग्गी है वो विज़िट करवाता हूँ। तो यहाँ से इंटर हो जाते हैं भाई, हम गाड़ी की डिग्गी आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ये आप लोग चेक कर लें, जो सारी साइडें वगैरह हैं, डोरियाँ वगैरह हैं, वो क्लियर आप लोग को नज़र आ रही होंगी। ऊपर से भी गाड़ी आप लोग देखें, यहाँ से भी जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में है गाड़ी। गाड़ी के कॉर्नर्स आप लोग जो है वो देख लें, ठीक है जी, दोनों साइड से मैं आप लोगों को दिखाऊँ। तो नॉट आउट बहुत अच्छी है, यानी कि आप जब इंटर भी होंगे तो अच्छी सी स्मेल वगैरह इन्होंने रखी हुई है, फ्रेग्रेंस डाली हुई है गाड़ी के अंदर, तो काफ़ी अच्छा था जो है वो गाड़ी को मेंटेन रखा हुआ है गाड़ी इन्होंने। नीचे जो है वो कंपनी फिटेड आप लोग के अंदर, इसके अंदर जो है वो सीएनजी मिल जाती है। सीएनजी से नीचे वाला पार्ट में इतना दिखा नहीं सकता, लेकिन ये कि नीचे से भी गाड़ी जो है वो साफ़ है, यहाँ पर भी कोई इतनी ज़्यादा रश वगैरह नहीं है। गाड़ी के दरवाजे चेक कर लेते हैं भाई चल के, दरवाज़ों से कैसी है गाड़ी। तो यहाँ से इंटर होते हैं भाई, नीचे से गाड़ी की जो फुट पैरियाँ हैं वो आप लोग देख लें, साफ़ सुथरी हैं, यहाँ कोई रस्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ऊपर से गाड़ी के जो लड्स हैं वो देख लें, बिल्कुल क्लियर आप लोगों को दिख रहे होंगे। गाड़ी के दरवाज़ों की सीलों की अगर बात करूँ तो गाड़ी की जो दरवाज़ों की सीलें हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में है। गाड़ी के डोर पैनल्स क्लियर हैं, और अंदर से सीट्स की अगर बात की जाए तो शॉपर वगैरह चढ़ी हुई है, यानी कि आप लोगों को इसमें ये सीट वीट्स का काम भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, पर लेके आप लोगों ने चलानी है। रबर मैट्स मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ इसमें मौजूद हैं। फ्रंट साइड से भी दिखा दूं मैं गाड़ी आप लोगों को, तो फ्रंट के जो पिलर्स हैं वो देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ठीक है जी। गाड़ी के जो दरवाज़ों की सीलें हैं, यहाँ से आप लोग पूरा एक ओवरव्यू देखें, क्लियर आप लोगों के सामने है। डोर पैनल्स फ्रंट के भी बिल्कुल साफ़ हैं। बाकी भाई ने गाड़ी स्टार्ट भी कर दी है, यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा दूँ। भाई थोड़ी सी जगह दीजिएगा मुझे, तो ये आप चेक कर लें, पेट्रोल पे गाड़ी अभी जो है वो स्टार्ट है। डैशबोर्ड वगैरह आप लोग देख सकते हैं, और फ्रंट की जो सीट्स हैं वो भी इसी तरीके से जो है वो आप लोगों को कर लें। बाकी अभी चलते हैं, चल के इंजन रूम भी आप लोगों को दिखाते हैं, इंजन रूम से गाड़ी आप लोगों को किस कंडीशन में जो है वो मिलती है। तो नॉट आउट ये आप लोग जो है वो देख सकते हैं, जिस तरीके से गाड़ी इन्होंने जो है वो अंदर से रखी हुई है, बॉडी वाइज रखी हुई है, इसी तरीके से गाड़ी का जो इंजन रूम है वो भी बिल्कुल सुपरी कंडीशन में है। और गाड़ी स्टार्ट है अभी, कोई हाल फिलहाल मुझे कोई नॉइज़ सुनाई नहीं दे रही इसके अंदर। बाकी आप लोग यहाँ से जो है वो देख सकते हैं गाड़ी के जो कुप्पे हैं वो देख लें, ठीक है जी, दोनों तरफ से आप लोगों को जो है वो दिखा रहा हूँ। बाकी ऊपर से बोनट की जो सील्स हैं वो भी आप लोग यहाँ से जो है वो देख लें। चलते हैं गाड़ी के ऑनर के पास, मज़ीद मालूमात लेते हैं इस गाड़ी के बारे में कि भाई गाड़ी का क्या हिसाब किताब है। सो अभी हमारे साथ मौजूद हैं फरहान भाई, जिनकी ये गाड़ी है। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर गाड़ी के बारे में डिटेल्स दें, क्या मॉडल है, क्या हिसाब किताब है गाड़ी का? एहसन भाई 2008 का एंड है गाड़ी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी कंडीशन में है। बिल्कुल हाँ, और डिमांड हमने इसकी 10 लाख रुपए रखी है। ठीक है। अच्छा सर, कितना चली हुई गाड़ी है ये? 81 चली हुई है, 81,000 जो है चली हुई। और ओरिजिनल की अगर बात करें, कितने पीस ओरिजिनल है गाड़ी के? ये तकरीबन छत ओरिजिनल, बोनट ओरिजिनल, ये साइड में हल्की फुल्की पर टचअप है, जो
ठीक है, हल्की फुल्की टचअप है, यानी कुछ पीस ओरिजिनल है, कुछ पीस जो है वो गाड़ी के जो है वो टचअप है, यानी कि वो वाला सीन नहीं है कोई एक्सीडेंट हो, कोई कुप्पा बना हो, कोई ऐसी चीज हो, ऐसा कोई सिलसिला नहीं। ठीक है, सीपीएलसी टैक्स नंबर प्लेट सीच एंड एवरीथिंग सब हर चीज क्लियर का सौदा है। अच्छा, सीएनजी पेट्रोल एसी तीनों चीजें वर्किंग में। ठीक है, क्या पैसे आपने बोले, एक दफा रिपीट कीजिएगा। 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं, 2009 के एंड की जो है ये गाड़ी है, 8 के एंड की जो है ये गाड़ी है। भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, मजीद मालूम ले सकते हैं, अपना नंबर हमारे साथ 0333-222-22-13-13-515-515। कराची में कहाँ देखें सर ये गाड़ी? ये आपको देख करके सखी हसन चौरंगी पे ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया। 2012 मॉडल की कल्टस हमारे पास मौजूद है, यूरो 2। तो जो भी मेरे भाई बोलते ना कि हसन भाई कल्टस से दिखाएं, लेकिन ऐसी दिखाएं कि साफ सुथरी गाड़ियाँ हों, चमकती हुई खड़ी हों, बंदा ले तो एक अच्छी लगे गाड़ी घर के आगे खड़ी हुई कि हाँ भाई कोई गाड़ी खरीदी है। तो ये आप लोग जो है वो चेक कर लो, ओरिजिनल नंबर प्लेट्स लगी हैं, गाड़ी की लाइट्स बिल्कुल साफ़ हैं, जो है नॉर्मली व्हील कैप्स वगैरह लगे हुए हैं, टायर्स की कंडीशन भी मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाऊं, तो ये आप लोग चेक कर लो, ग्रिप्स वगैरह अच्छी नज़र आ रही होंगी आप लोगों को। बाकी चलते हैं, इस गाड़ी का एक पूरा ओवरव्यू आप लोगों को दिखाते हैं। बाकी भाई इंटीरियर वगैरह भी बहुत अच्छा था जो है वो गाड़ी का मेंटेन हुआ हुआ है, अंदर से बिल्कुल साफ़ गाड़ी है ये। बाकी जो इसके रेट वगैरह है, ईच एंड एवरीथिंग है, वो गाड़ी के ऑनर से जब मैं बातचीत करूँगा तो मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। अभी हाल फिलहाल आप लोग सारी साइड मेरे साथ साथ जो है वो देखें, पूरा एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को जो है वो दे रहा हूँ। और इसी तरीके से अगर हम गाड़ी की बैक साइड पर आ जाते हैं तो यहाँ से आप लोग गाड़ी की जो बैक साइड है वो भी देख सकते हो। बैक की दोनों जो लाइट्स हैं वो बिल्कुल सुथरी कंडीशन में है, बैक पे भी ओरिजिनल नंबर प्लेट जो है वो गाड़ी के ऊपर लगी हुई हैं। गाड़ी की रूफ़ मैं आप लोगों को बिल्कुल नज़दीक से दिखाऊं, तो ये आप लोग चेक कर लो, बिल्कुल शाइन बिल्कुल नज़र आ रही होगी आप लोगों को। और इसी तरीके से अगर हम बात करें गाड़ी की राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड भी आप लोग यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं। सो ये एक पूरा ओवरव्यू है गाड़ी का, बॉडी वाइज आप लोगों ने देख लिया। अब इसकी डिग्गी हम लोग चेक कर लेते हैं भाई अंदर से किस तरीके से ये गाड़ी। सो यहाँ से जो है वो आप लोगों को गाड़ी की डिग्गी भी चेक कराएं, तो ये चेक कर लें भाई हाइड्रोलिक्स इसकी प्रॉपर काम कर रही हैं, डिग्गी की जो सीलें हैं वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर जो है वो नज़र आ रही होंगी। पूरा एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, सारी साइडों से आप लोग जो है वो देख लें। बाकी गाड़ी के जो दोनों कॉर्नर शिफलर्स हैं, दोनों कॉर्नर ये भी आप लोग देखें। ठीक है जी, थ्रू आउट पेट्रोल जो है ये गाड़ी है। बाकी अंदर से अगर बात की जाए गाड़ी की रूफ़ की, ये चीज़ें भी मैं आप लोगों को यहाँ से जो है वो दिखा रहा हूँ। ऊपर का जो इसका बोर्ड है बिल्कुल क्लियर है। नीचे चलते हैं भाई, थोड़ा सा यहाँ से भी मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, तो इसको हटा लेते हैं पहले भाई, मैं थोड़ा सा आप लोगों को हटा के दिखा दूं, तो ये आप लोग चेक कर लो, टायर वगैरह प्रॉपर मौजूद है इसके अंदर। नीचे वाली साइड भी देख लें, गाड़ी के दरवाजे वगैरह चेक कर लेते हैं भाई चल के, दरवाज़ों से कैसी है ये गाड़ी। तो यहाँ से भाई इंटर होते हैं, पहले ये वाली साइड हम आपको दिखाते हैं, तो ये आप चेक कर लो, पैरियाँ वगैरह क्लियर आप लोग को नज़र आ रही होंगी। दरवाजे देख लो, दरवाज़ों की जो डोरियाँ हैं सीलें हैं वो क्लियर हैं, डोर पैनल बिल्कुल साफ़ हैं। गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं, गाड़ी के पिलर्स की बात करें तो पिलर्स भी आप लोग यहाँ से जो है वो देख सकते हो, अंदर आ चुके हैं। गाड़ी की जो सीट्स वगैरह हैं वो भी बिल्कुल क्लियर हैं। नीचे से आप लोग जो है वो गाड़ी देखो, मैट वैट डले हुए हैं गाड़ी के अंदर। ऊपर से गाड़ी की जो छत है वो भी आप लोग जो है वो देखें। बाकी चलते हैं चल के, गाड़ी की जो फ्रंट साइड है वो भी आपको दिखाएं भाई। तो फ्रंट वाले डोर पर आ चुके हैं, फ्रंट साइड से भी आप लोग चेक कर लें गाड़ी की, पहले किनारियाँ वगैरह देख लें, जो सीलें हैं। ठीक है, डोर पैनल्स, फुट पैरियाँ गाड़ी की नीचे से। ठीक है जी, ऊपर से गाड़ी के जो पिलर्स हैं ये देख सकते हैं आप लोग। बाकी अंदर आ जाते हैं, गाड़ी के डैशबोर्ड वगैरह की बात करें, डैशबोर्ड गाड़ी का जो है वो बिल्कुल साफ़ है। गाड़ी की जो सीट्स हैं वो आप लोग देखें, मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि भाई शॉपर ऊपर चढ़ा के बिल्कुल पैक इन्होंने रखी हुई साफ़ सुथरी करके। तो जो भी भाई हमारे लेने वाले हों आए देखें, उनको ज़रूर इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। गाड़ी का इंजन रूम चल के देखते हैं कि भाई इंजन रूम से गाड़ी कैसी है। तो यहाँ से मैं गाड़ी का इंजन रूम भी आप लोगों को एक नज़र जो है वो दिखाऊँ। तो ये आप लोग चेक कर लें, सबसे पहले तो आप लोग गाड़ी की जो फ्रंट पट्टी है वो एक नज़र जो है वो देख लें। ठीक है जी, ड्राई बैटरी इस गाड़ी के अंदर जो है वो इंस्टॉल है। गाड़ी के कुप्पे वगैरह बिल्कुल नज़दीक से मैं आप लोगों को जो है वो दिखा रहा हूँ। बाकी बैक की शील्ड वगैरह भी जो है वो आप लोग देखें, और इसी तरीके से दूसरी साइड का कुप्पा भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये कम्प्लीट ओवरव्यू है, पूरा एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को जो है वो दिखा दिया है। अब चलते हैं, जो गाड़ी के ऑनर हैं ज़रा उनसे बातचीत करते हैं और मज़ीद मालूम जो है वो गाड़ी के बारे में दे देते हैं। हमाद भाई अभी हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त। हमाद भाई गाड़ी के बारे में डिटेल्स हैं, गाड़ी सर, बिल्कुल 2012 का मॉडल है सर, और थ्रू आउट पेट्रोल है ये, 70% ओरिजिनल है, 30% टचअप है। ठीक है, और 2012 यूरो 2 है, थ्रू आउट पेट्रोल। ठीक है, हर चीज क्लियर है। बॉडी की अगर बात करें सर, बॉडी अच्छी, कहीं से एक्सीडेंट नहीं है, टचअप है सर। ठीक है, पुरानी गाड़ी है 2012, टचअप तो आपको पता होगा। पूछने का मकसद फुल शावर नहीं है। जी हाँ ठीक है सर, क्या इसकी डिमांड? इसकी 12,65,000 रुपये डिमांड है सर।
तो ये सारी गाड़ी की जो है वो डिटेल्स हैं, अगर किसी भाई को ये गाड़ी पसंद आती है तो कांटेक्ट कर सकते हैं सर अपना नंबर हमारे 03120312898939398978 कराची में कहाँ देखें सर ये गाड़ी? कश्मीर रोड पे होता हूँ सर, नेक्स्ट लोकेशन पे ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। 1995 मॉडल मिनी पजीरो भी हमारे पास मौजूद है, तो जो भी मेरे भाई बोलते हैं ना कि ऐसा भाई मिनी पजीरो हो कोई मार्केट से, तो हमें बताएं कि भाई मिनी पजीरो के क्या रेट हो गए। तो भाई काफ़ी टाइम बाद ये गाड़ी जो है मुझे मार्केट में नज़र आ गई है, तो कोशिश करते हैं भाई पहले गाड़ी आप लोग को अच्छे से दिखाएं, फिर इसकी मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन होगी वो गाड़ी के ऑनर से हम सारी चीज़ें जो है मालूम करेंगे। गाड़ी का फ्रंट वगैरह आप लोग जो है वो देख लो, गाड़ी के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह फ्रंट का जो पूरा एक शो होती है इसकी वो एक अलग ही आप लोग को नज़र आती है। बाकी अलॉय रिम अच्छे से जो है वो गाड़ी के अंदर डले हुए हैं, तो चलते हैं इसका पूरा ओवरव्यू दिखाते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी के ऑनर से बात की जाएगी। तो गाड़ी के हम लोग साइडों वगैरह से जो है वो देखें, तो सारी साइडें वाइडें आप लोग देख लें जो कंडीशन है आप लोग के सामने हैं। बाकी भाई से बातचीत हुई, भाई बता रहे हैं भाई पूरी ओरिजिनल इन्होंने गाड़ी जो है वो रखी हुई है। अभी मज़ीद और बातचीत करेंगे तो भाई पूछेंगे कि भाई एक आध पीस अगर हो तो वो हमें जो है वो गाइड कर दें। तो गाड़ी का बैक देख लें आप लोग, गाड़ी की फ्रंट तो आप लोगों ने जो है वो देख ही लिए, बैक पे एक्स्ट्रा टायर वगैरह आप लोग को जो है वो नज़र आ रहा होगा, बैक पे भी ओरिजिनल नंबर प्लेट जो है वो लगी हुई है। अच्छा रिम जो है ना इसके बड़े अच्छे से लग रहे हैं, ये आप अगर नज़दीक से देखो ना यार थोड़े से, तो बड़े अच्छे से जो है वो रिम इन्होंने डाले हुए। ये नॉर्मली बड़ी जो ऐसी जीप वगैरह होती है ना इसके अंदर नज़र नहीं आते, लेकिन यहाँ पर जो है वो आप लोगों को बिल्कुल साफ़ सुथरे जो है वो नज़र आ रहे होंगे। तो ये एक ओवरव्यू है भाई बॉडी वाइज, तो गाड़ी आप लोगों ने ऊपर ऊपर से जो है वो एक नज़र देख ली है, कम्प्लीटली एक व्यू मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर आप लोगों को दिखाते हैं भाई इंटीरियर से ये गाड़ी आप लोगों को किस तरीके से मिलती है। सबसे पहले हम पीछे वाले डोर खोल लेते हैं भाई, बैक साइड का ये आप लोगों को चेक करवा देते हैं। तो यहाँ से आप लोग जो है वो देख लें गाड़ी की जो डोरियाँ हैं सीने हैं वो क्लियर आप लोगों को जो है वो नज़र आ रही होंगी। ठीक है जी, अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर जो है वो साउंड सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है, काफ़ी सारी इनकी एसेसरीज यहाँ पर जो है वो रखी हुई इन्होंने गाड़ी की साफ़ सफाई की, ऑयल वॉयल के डब्बे रखे हुए, ऊपर की सारी साइडें जो है वो आप लोग देखें। ठीक है, अंदर आ जाते हैं यहीं से अगर हम लोग, तो रूफ़ वगैरह अंदर से क्लियर जो है मुझे नज़र आ रही है। बाकी सीट्स वगैरह भी आप लोग देख लें, सीट्स वगैरह भी गाड़ी की साफ़ सुथरी हैं। चलते हैं फ्रंट साइड पे, फ्रंट साइड से गाड़ी को जो है वो देखते हैं कि भाई फ्रंट का डोर वगैरह वो आप लोगों को किस कंडीशन में जो है मिलता है। तो यहाँ से इंटर होते हैं भाई हम लोग, ये चेक कर लें सारी डोरियाँ वगैरह क्लियर आप लोग को दिख रही होंगी, डोर पैनल्स गाड़ी के बिल्कुल साफ़ हैं, फुट पेरिंग आप लोग जो है वो गाड़ी की देखें, ऊपर से गाड़ी के जो पिलर्स हैं ये देख सकते हैं। बाकी अंदर आ जाते हैं, डैशबोर्ड वगैरह की बात कर लेते हैं। तो LCD पैनल इसके अंदर जो है वो इंस्टॉल है, मैनुअल ट्रांसमिशन पे ये गाड़ी है, और गाड़ी का जो डैशबोर्ड वगैरह है वो भी बिल्कुल सुथरी कंडीशन में है। तो ये एक ओवरव्यू था गाड़ी के अंदर से, अब गाड़ी का इंजन रूम सिर्फ रहता है, चलते हैं चल के गाड़ी का इंजन रूम देख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और ये मैं आप लोगों को बता दूं भाई, देख लें 4x4 भी इसके अंदर मौजूद है, तो ये भी वर्किंग में बता रहे हैं भाई। इंजन रूम की तरफ चलते हैं, सो इंजन रूम की तरफ आ चुके हैं भाई, इंजन रूम भी आप लोगों को दिखाएं। सबसे पहले आप लोग फ्रंट पट्टी वगैरह देखें तो क्लियर आप लोगों को नज़र आ रही है, ठीक है जी। बोनट के ऊपर से सीले वगैरह आप लोग जो है वो देख लें। बाकी यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो इसके छुपे वगैरह यहाँ से आप लोग साइडें वाइडें जो है वो एक नज़र देख लें करीब से, ठीक है जी। बैक की जो शील्ड है वो भी एक नज़र मैं आप लोगों को जो है वो पूरा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी 1100cc वाला इंजन है इसके अंदर जो है इन्होंने डाला हुआ है। अब चलते हैं भाई के पास और गाड़ी की मज़ीद मालूमात ले लेते हैं। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं उवैस भाई, उवैस भाई की ये गाड़ी है सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उवैस भाई अलग करम, क्या मॉडल है उवैस भाई? ये 95 मॉडल है और 10 का रजिस्ट्रेशन है। 10 का रजिस्टर्ड है। गाड़ी कैसी है? इंजन और सस्पेंशन से माशाल्लाह बिल्कुल ओके है, इंजन रूम एसी हर चीज़ सस्पेंशन वगैरह सब ओके, गाड़ी में एक रुपए का काम नहीं है, गाड़ी ले और चला है। अच्छा इंजन इसका आपने चेंज करवाया है? जी, इसमें 660cc इंजन था, हमने 1100cc इसमें इंजन डलवाया, पावरफुल न्यू इंजन। ठीक है, क्या एवरेज करता है ये इंजन? ये तकरीबन 14-15 का एवरेज देता है अल्हम्दुलिल्लाह आराम से। ठीक है, एसी वैसी भी वर्किंग में, एसी के साथ बता रहे हैं वर्किंग में? जी जी। और 4x4 वगैरह भी? 4x4 भी ओके गाड़ी का। ठीक है, अच्छा ऊपर से गाड़ी आपने बताई कि गाड़ी ओरिजिनल है, ऐसा ही है सर? जी गाड़ी बिल्कुल ओरिजिनल है, ऊपर से भी हल्का फुल्का टचअप है, बाकी ओरिजिनल। हल्का फुल्का टचअप है, हल्का फुल्का, बाकी ये क्या ओरिजिनल है? तो वो यही होता है ना, बहुत सारे लोग बोले यार फुल ओरिजिनल आपने बोली थी कल को, फिर वो गलत बात होती है। तो भाई ने पहले ही बता दिया है कि हल्की फुल्की जो है वो टचअप है गाड़ी। सर क्या इसकी जायज मुनासिब देने वाली डिमांड? इसकी हमने 10-50 डिमांड की है, बाकी 10 में इंशाल्लाह दे दें। ठीक है, 10-50 आप डिमांड कर रहे हैं, लेकिन 10 तक का आप जो है वो आप कह रहा था। काफ़ी महंगी हो गई यार ये गाड़ी। असल में गाड़ियाँ कम हैं और रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है इन गाड़ियों की। इसके अलावा आप देख सकते हैं मार्केट के हिसाब से जो गाड़ियाँ 5 लाख की थी वो 10 लाख रुपए की हो चुकी है, गाड़ी बहुत महंगी हुई। अच्छा CPLC टैक्स नंबर प्लेट सब क्लियर? चीज़ क्लियर है। अच्छा अपना नंबर हमारे साथ शेयर कीजिएगा सर। 0300 0300 9209205086 86। कराची में कहाँ देखें सर ये गाड़ी? कराची। चलिए न्यू कराची में दोस्तों ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।
तो दोस्तों निसान क्लिपर 17-22 हमारे पास मौजूद है। तो जितने भी मेरे भाई बोल रहे थे कि भाई एहसन भाई जो है वो आप जैपनीज डब्बे भी जो है वो ऐड कर रहे हैं, तो ये चेक करें, दो दो गाड़ियां लेके आए हैं। पहली गाड़ी जो है वो 17-22 है, अंकल हमारे साथ मौजूद है। अंकल कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अंकल याद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अंकल गाड़ियाँ नहीं ला रहे आजकल। असल में रमजान है, रमजान में थोड़ा आराम हो रहा है भाई, बस सारी बात ये है, गाड़ियाँ भी कम, काम भी कम, रमजान में ये वक्त भी कम होता है, तो लोग सोते ज्यादा हैं और खाते पीते ज्यादा हैं। चलिए जी, उन्हीं के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं वकार साहब। वकार साहब, वकार भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? चलिए जी, गाड़ी हम दिखाते हैं वकार भाई और अंकल जो है वो हमारे साथ डिटेल शेयर करें। अंकल डिटेल बताएं, साथ गाड़ी में दिखा रहा हूं। 22 का मॉडल है और 2 पावर गाड़ी है और इसके अंदर रडार वडार सिस्टम वगैरह, एक्स्ट्रा कैमरा वगैरह बहुत कुछ लगा हुआ गाड़ी के अंदर, LRM व्हील लगे हुए हैं। गाड़ी ऑल्टोवाल जो है पूरी जेन्युइन है, 3.5 ग्रेड की गाड़ी थी, बल्कि 4.5 ग्रेड की दिवाली गाड़ी, ये 4.5 ग्रेड की गाड़ी थी। वो गाड़ी में 1 रुपये का काम नहीं है, बस लो और चलाओ वाला हिसाब किताब है। ठीक है, जो भी अच्छी ऑफर देगा तो ये देने के मूड में गाड़ी, कह भाई इसको जो भी अच्छी ऑफर देगा फौरन रब्ता करो और लो और ले जाओ और ईद बनाओ, गाड़ी फर्स्ट क्लास गाड़ी है। ठीक है, यानी ईद पे सीबीओ सी में जाओ। साइड गिलास भी इसके जो है ऑटोमेटिक है और ये 2 पावर भी अंदर देंगे। कैमरे कितने लगे हुए हैं आप नजर आएंगे इसके बावजूद, ऊपर भी लगे हुए कैमरे, रडार भी लगा हुआ है, इको आई का सिस्टम भी है इसके अंदर, गाड़ी का फुल ओरिजिनल है, यानी कि बिल्कुल सुथरी कंडीशन की गाड़ी है। अंकल क्या पैसे बोल रहे हैं, क्या जायज और मुनासिब डिमांड रखी हुई है? तो वैसे तो हम रखी हुई है 23-23 के अंदर, मगर ये हमने फाइनल जो देनी है उसमें रियायत भी कर देंगे हम, ये 22 के अंदर हमारा देने का इरादा है इंशाल्लाह। ठीक है, 22 लाख रुपए में देने का इरादा है, 17-22 का ये मॉडल है। जो भाई हमारे लेना चाहते हैं अंकल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अंकल अपना नंबर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। 0312-2070-995 और दूसरा नंबर वकार भाई का, वो भी आप ले लें नंबर। एक वकार भाई नंबर बताएं, 0313-0613-6632-000। चले वकार भाई, कहाँ देखेंगे गाड़ी? फोर्ड वाली है। चले मेट्रो व्हील पे ये गाड़ी आप लोग जो है वो देख सकते हैं। अच्छा अंकल, बराबर वाली गाड़ी भी अपने पास है, 18-24 का मॉडल है ये, जाहिद भाई हमारे आबिद भाई जो है इसको बताएंगे। ठीक है, आबिद नाम है सर आपका? जी सर, मेरा आबिद। चले आबिद भाई हमारे जो है वो इस गाड़ी के बारे में डिटेल शेयर करेंगे। आबिद भाई जरा बताइएगा थोड़ी सी डिटेल। सर ये 2018 मॉडल है और 24 की इम्पोर्ट है, पहले दूसरे महीने की इम्पोर्ट है। ठीक है जी, ये पूरी ओरिजिनल है गाड़ी और 3.5 ग्रेड की है गाड़ी। ठीक है, अच्छा कोई भी स्टार्ट अप नहीं है, पूरी गाड़ी ओरिजिनल है? ओरिजिनल है, पल वाइट कलर है, टोटल ओरिजिनल है टोटल। ठीक है, क्या क्या फंक्शन है सर इसके अंदर गाड़ी इसके अंदर पार्किंग सेंसर है, सही है, रडार ऑप्शन लगी हुई है, आगे पीछे कैमरा लगा हुआ है, पार्किंग सेंसर लगा हुआ है, सही है, और इको आइडलिंग है इसमें, और पेट्रोल एवरेज बड़ा प्यारा होता है इसका। क्या एवरेज करती है सर ये गाड़ी? ये एवरेज देती है 15 से ऊपर देती है। ठीक है, यानी कि 15 से ऊपर का जो है ये एवरेज मिलता है आपको जी। तो दोस्तों जो भी भाई हमारे बोलते हैं हमसे, देखें भाई इस तरीके की गाड़ी दिखाया करें तो देख लें भाई, अनरजिस्टर्ड गाड़ी है ये, पियानो ब्लैक जो है वो इसका इंटीरियर है, अंदर की सारी आप लोग देख रहे होंगे जो ट्रिम्स हैं वो सब आप लोग को इस तरीके से नज़र आ रही होंगी। बहुत साफ़ सुथरी गाड़ी है, बहुत अच्छी कंडीशन की गाड़ी है। जो भाई लेना चाह रहे हैं फैमिली के लिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मजीद मालूमात कर सकते हैं। सर क्या इसकी डिमांड रखी है, जायज मुनासिब और देने वाली? इसकी डिमांड रखी है 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए? सर मैंने सुना था गाड़ियां नीचे आ रही हैं, ये मकसद 18 है, इस वजह से ऊपर है या क्या सीन है? अभी तो गाड़ियां और ऊपर जा रही है क्योंकि डॉलर का रेट जो है ना वो सुनने में आ रहा है ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है ऊपर जाए और भी, क्योंकि गाड़ी आजकल मिली नहीं रही, शॉर्ट है गाड़ियां। और कब की क्लियर, कितने दिन हो गए इसको आए हुए गाड़ी को? ये तकरीबन अभी तकरीबन महीना डेढ़ महीना हुआ है। महीना हुआ है। कितना चली बताइए आपने? ये 1.35 चली है। 1.35, यानी कि आपने रिवर्स कुछ नहीं कराया, ओरिजिनल ही रखा है। जो ऑक्शन शीट में होगा वही है। चलिए जी, क्या पैसे बोले एक दफा रिपीट कीजिएगा? इसकी 30 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। 30 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं भाई, किसी को ये गाड़ी पसंद आती है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मजीद मालूम ले सकते हैं। सर अपना नंबर बताइएगा। जी मेरा नंबर है 0342-257-8856। ठीक है, कराची में कहाँ देखें सर ये गाड़ी? ये आप देख सकते हैं नाजामाबाद की साइड पे, आप साइड एरिया। चले नाजामाबाद की साइड पे आप जब कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मजीद इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। चलिए शुक्रिया भाई बहुत बहुत। 2002-2008 मॉडल की विड्स हमारे पास मौजूद है। तो जो भी मेरे भाई बोलते हैं ना कि एहसन भाई 15 से भी अंदर अंदर गाड़ी जो है वो कोई दिखा दें, तो भाइयों कम कीमत में आप लोगों ने विड्स लेके आ गया हूँ। जितने भी भाइयों ने बोला था कि भाई विड्स चाहिए लेकिन पैसे मुनासिब हों, तो उन भाइयों के लिए जो है ये गाड़ी है। गाड़ी का लुक वगैरह आप लोग चेक कर लो, गाड़ी का फ्रंट वगैरह जो है वो देखें, ओरिजिनल नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं गाड़ी के ऊपर, नॉर्मली व्हील कैप्स वगैरह लगे हुए हैं, गाड़ी की साइडें वाइडें आप लोग देखें। कोशिश करता हूँ गाड़ी अच्छे से आप लोगों को दिखाऊँ,
बाकी कोई चीज़ ना समझ में आया करे तो कोशिश करा करें गाड़ी के ऑनर से जब बातचीत करें तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो ले लें। गाड़ी का फ्रंट आप लोगों ने देखा, गाड़ी की बैक साइड पे मैं आ चुका हूँ। बैक की दोनों लाइट्स वगैरह जो है वो आप लोग चेक कर सकते हैं, दोनों लाइट बिल्कुल ठीक हैं। ओरिजिनल नंबर प्लेट बैक साइड पे भी लगी हुई जो है वो नज़र आ रही हैं। इसी तरीके से अगर सारी साइडों वाइडों की बात की जाए तो सारी चीज़ें आप लोग के सामने हैं। बाकी चलते हैं, चल के आप गाड़ी का जो है वो इंटीरियर देखते हैं भाई, इंटीरियर से गाड़ी आप लोगों को किस कंडीशन में जो है मिलती है। तो यहीं से इंटर हो जाते हैं भाई, गाड़ी के डिग्गी आप लोगों को जो है वो एक नज़र दिखाएं। तो ये जो है भाई हम लोग यहाँ से खोल लेते हैं, तो ये देख लें, थोड़ी सी हाइड्रोलिक्स हल्की है इसकी, कोई नहीं है। मैं आप लोगों को साथ साथ जो है वो दिखा रहा हूँ, यहाँ से सारी साइडें जो है वो आप लोग देखें। बाकी इसी तरीके से दोनों कॉर्नर्स आप लोग जो है वो देख लें। बाकी इसी तरीके से दूसरी साइड का भी दिखा रहा हूँ। नीचे आ जाते हैं भाई, यहाँ सारे मैट वैट रखे हुए हैं, और इससे नीचे दिखाने के लिए थोड़ी सी डिग्गी इसकी वापसी आ रही है, तो उसको मैं आपको यहाँ से ऐसे दिखा देता हूँ भाई। ये देख लें, नीचे की सारी साइड है, ठीक है जी। अंदर चलते हैं, तो अंदर की जो रूफ़ है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। बाकी चलते हैं, दरवाजे चेक कर लेते हैं भाई, दरवाजों से गाड़ी किस तरीके से जो है वो आप लोगों को मिलती है। तो यहाँ से मैं आप लोगों को गाड़ी के दरवाजे भी एक नज़र जो है वो दिखाऊँ, तो इसकी डोरियाँ वगैरह देख लें, क्लियर आप लोगों को कम्प्लीट जो है वो नज़र आ रही होंगी, ठीक है जी। दरवाज़ों से फुट पैरियाँ वगैरह गाड़ी की जो है वो देखें, ऊपर से गाड़ी के पिलर्स। अंदर आ जाते हैं गाड़ी के अंदर से बात करें अगर सीट वीट्स की, तो आपका मार्केट सीट कवर्स वगैरह गाड़ी के अंदर जो है मौजूद हैं। नीचे रबर मैट चले हुए हैं। फ्रंट साइड का डोर भी हम लोग देख लेते हैं भाई, तो फ्रंट साइड से भी मैं आप लोगों को दिखाऊं। पहले तो आप लोग जो है वो देख लो, नीचे की सारी साइडें देखो, ठीक है जी। इसी तरीके से यहाँ से भी जो है वो गाड़ी आप लोग देखें, ऊपर से आप लोग जो है वो देख लें पिलर सारे गाड़ी के। अंदर आ जाते हैं तो गाड़ी का जो फ्रंट है, जो डैशबोर्ड है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ऑटोमेटिक जो है वो ट्रांसमिशन पे ये गाड़ी है। गाड़ी की सीट्स की अगर बात करूँ तो फ्रंट साइड से भी गाड़ी बिल्कुल सुथरी कंडीशन में है। चलते हैं चल के गाड़ी का जो है वो इंजन रूम देखते हैं, इंजन रूम से गाड़ी आप लोगों को किस कंडीशन में मिलती है। तो यहाँ से जो है वो हम लोग इंटर होते हैं भाई, गाड़ी आप लोगों को जो है उसे करवाते हैं, तो इसको पहले खोल लेते हैं भाई। तो ये आप चेक कर लें गाड़ी की फ्रंट पट्टी वगैरह जो है वो एक नज़र देखें। ड्राई बैटरी गाड़ी के अंदर जो है मौजूद है। गाड़ी के कुप्पे वगैरह नज़दीक से जो है वो आप लोग देखें। बैक की जो शील्ड है वो भी मैं आप लोगों को जो है वो दिखा रहा हूँ, और इसी तरीके से जो है वो दूसरी साइड का कुप्पा भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट ओवरव्यू है गाड़ी का, गाड़ी आपने कम्प्लीटली जो है वो देख ली। अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं, ज़रा उनसे बातचीत करते हैं और मज़ीद मालूम दे देते हैं इसके बारे में। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं हमजा भाई, जिनकी ये गाड़ी है। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह। हमजा भाई, गाड़ी के बारे में डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें। 2002 का ये मॉडल है और 2008 की रजिस्टर्ड है, ठीक है। और ये इंजन सिलेंडर वाला इंजन है, इंजन चेंज है इसका, जो अपना आता है वही है, लेकिन ये जो है ना 2002 और 2008 है। ठीक है, फोर सिलेंडर वाला जो है, फोर सिलेंडर वाला जिसका अपना इंजन है वही डला हुआ है इसमें, ठीक है। क्या एवरेज वगैरह कर रही है सर ये गाड़ी? एवरेज तो इसका बहुत अच्छा है, 15-16 आराम से इसके एवरेज है विद इन अ सिटी, ठीक है। दूसरा ये कि गाड़ी ऊपर से पूरी शावर है सर ये? जी, बार बार से लाइट शावर है ड्यू टू फेडनेस, वो भी नीचे नीचे से, छत पिलर वगैरह इसके जेन्युइन है। कोई एक्सीडेंट तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, 100% गारंटी होगी, कोई किसी किस्म का एक्सीडेंट नहीं। क्या सर जायज मुनासिब देने वाली डिमांड? आपने बोला था ऐसी डिमांड होगी कि जो लेने वाले लोग हैं वो ले जाएंगे। बताइएगा भैया, 14,90,000 रुपये मैं इसकी डिमांड कर रहा हूँ, और इसके बावजूद भी मैं और लचक निकाल दूंगा। चलिए भाई, 14,90 जो है वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मजीद इसके अंदर गुंजाइश हो जाएगी, जो भाई लेने वाले हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मजीद मालूम दे सकते हैं। सर नंबर अपना शेयर कीजिएगा। हाँ, नंबर लिखिएगा 0333-2431-805-805। कराची में कहाँ देखें सर ये गाड़ी? ये कराची में आप तारिक रोड पर देखें। चलिए, तारिक रोड पर ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया। 2011 मॉडल की VXR कल्टस अभी हमारे पास मौजूद है। तो जो भी मेरे भाई बोल रहे थे कैसन भाई, कल्टस भी जो है वो ज़्यादा ऐड करा करें, तो ये गाड़ी जो है वो आप लोग चेक कर रहे हैं, अलॉय रिम वगैरह लगे हुए हैं, गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में है। बाकी चलते हैं कि इसका पूरा ओवरव्यू दिखाते हैं आप भाइयों को कि गाड़ी किस तरीके से मिल रही है। तो हाल फिलहाल अगर फ्रंट की मैं बात करूँ सिर्फ गाड़ी की, तो फ्रंट वगैरह देखें आप लोग, दोनों जो गाड़ी की लाइट्स वगैरह हैं वो बिल्कुल ठीक आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। इसी तरीके से अगर साइडों वाइडों की बात की जाए तो कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, कोई डेंट्स नहीं है गाड़ी के ऊपर, गाड़ी जो है वो बिल्कुल साफ़ है। बाकी आ जाते हैं हम लोग गाड़ी की बैक साइड पे भाई, बैक साइड से भी गाड़ी मैं आप लोगों को जो है वो विजिट करवाऊँ। तो यहाँ से आप लोग देख लें जो दोनों लाइट्स हैं गाड़ी की, वो दोनों लाइट्स आप लोग को क्लियर जो है वो नज़र आ रही होंगी। यानी कि ओवरऑल अगर ऊपर से भी देखा है तो मुझे हाल फिलहाल कोई इसके अंदर स्क्रैच या कोई डेंट जो है वो गाड़ी के ऊपर नज़र नहीं आ रहा है। गाड़ी की लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करूँ तो यहाँ से भी आप लोग देख लो, ये सारी साइडें भी जो है वो गाड़ी के क्लियर हैं। अंदर चलते हैं, गाड़ी की डिग्गी वगैरह चेक कर लेते हैं कि भाई डिग्गी वगैरह किस तरीके से जो है वो आप लोगों को मिलती है। तो यहाँ से भी मैं आप लोगों को एक नज़र दिखा दूं भाई, तो ये आप लोग चेक कर लें, ऊपर की सारी साइडें वगैरह जो है वो चेक करें, डिग्गी की जो सीलें हैं वो आप लोगों को एक नज़र मैं दिखा रहा हूँ। बाकी नीचे आ जाते हैं दोनों कॉर्नर्स, ठीक है, यहाँ से भी देख लें, इसी तरीके से यहाँ से भी आप लोग जो है वो देखें।
नीचे आते हैं कंपनी फिटेड वाली जो है वो इसमें सीएनजी जो है वो नज़र आ रही है नीचे की दोनों साइड है, आप लोग जो है वो देख लें, इससे ज़्यादा नीचे इसमें दिखा नहीं सकता मैं आपको। बाकी चलते हैं फ्रंट साइड पे और गाड़ी के दरवाजे वगैरह चेक करते हैं कि भाई गाड़ी के दरवाजे वगैरह किस कंडीशन में आप लोग को मिल रहे हैं। यहाँ से हम लोग जो है वो एंटर हो जाते हैं। सबसे पहले बैक साइड का डोर मैं आपको दिखा रहा हूँ, पैसेंजर डोर ये चेक कर लें, इसकी जो किनारियाँ वगैरह हैं डोरियाँ हैं, बाकी नीचे से गाड़ी की फुट पैरियाँ, ऊपर से गाड़ी के पिलर्स, अंदर आ जाते हैं गाड़ी का जो सीट्स वगैरह हैं वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, नीचे रबर मैट्स चले हुए गाड़ी के अंदर। फ्रंट साइड का डोर देख लेते हैं भाई, तो फ्रंट साइड पर आते हैं तो भाई फ्रंट साइड पर सबसे पहले आप लोग फ्रंट साइड पर जो पिलर्स हैं गाड़ी के ये एक नज़र जो है वो आप लोग देखें, ठीक है जी। नीचे से गाड़ी की फुट पैरियाँ, दरवाज़ों के कॉर्नर्स और गाड़ी के डोर पैनल्स, डैशबोर्ड वगैरह अंदर से जो है वो गाड़ी का साफ़ सुथरा है। बाकी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया फैब्रिक वाले सीट कवर्स वगैरह गाड़ी के अंदर जो है वो मेंटेन हुए हैं। चलते हैं चल के गाड़ी का जो इंजन रूम है वो देखते हैं। गाड़ी के इंजन रूम की तरफ आए हैं भाई हम लोग। सबसे पहले आप लोग गाड़ी की जो फ्रंट पट्टी है वो एक नज़र जो है वो आप लोग देखें, ड्राई बैटरी गाड़ी के अंदर जो है वो इंस्टॉल है। गाड़ी के कुप्पे वगैरह मैं आप लोग को नज़दीक से दिखा दूँ, बैक की पूरी शील्ड आप लोग जो है वो देख लें, टिकली वगैरह प्रॉपर जो है वो लगी हुई है, और इसी तरीके से दूसरी साइड का कुप्पा भी। अब चलते हैं गाड़ी के ऑनर से मज़ीद मालूमात लेते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं गाड़ी के ऑनर सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। सर इस गाड़ी के बारे में डिटेल दें, क्या मॉडल है सर ये? 11 मॉडल है। ठीक है सर, बॉडी की अगर बात करें इस गाड़ी की? पूरी बॉडी जो है ना वो चादर पे है, हल्की फुल्की टचअप्स होंगे गाड़ी में, मेजर एक्सीडेंट माइनर एक्सीडेंट कहीं से भी नहीं। ठीक है, कितना चली हुई गाड़ी है सर ये? अराउंड 80-90 हज़ार मेरे ख्याल है मीटर मीटर पर 80-90 हज़ार जो है वो इशू कर रही है। अच्छा सीएनजी कंपनी फिटेड पेट्रोल, सीएनजी कंपनी फिटेड एसी थ्रू आउट पेट्रोल चली हुई है, सीएनजी के ऊपर बहुत कम चलती है लेकिन सीएनजी भी कंपनी फिटेड है। ठीक है, सीपीएलसी टैग नंबर प्लेट सब कुछ क्लियर है, सस्पेंशन क्लियर है, इंजन क्लियर है, हर तरह से परफेक्ट है। ले और चलाएँ? बस ले और चलाएँ। क्या पैसे बोल रहे हैं सर 11 मॉडल के? इसके हम 11-40 डिमांड कर रहे हैं। मुनासिब सर देने वाले? बस आपके तवस्सुत से कोई आएगा तो उसको बहुत अच्छा ख्याल कर लेंगे, मुनासिब हो जाएंगे, अच्छा ख्याल कर लेंगे। तो चलिए जी, जो भी भाई हमारे लेने वाले देख लीजिएगा, जब बातचीत करेंगे तो जो पैसा मुनासिब हो सके हो जाएंगे। अपना नंबर हमारे साथ शेयर कीजिए, 0332319-5590। ठीक है, कराची में कहाँ देखें सर ये गाड़ी? ये नाजमाबाद। ठीक है, इस लोकेशन पर ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया। 2010 मॉडल की ऑटोमेटिक कोरे अभी हमारे पास मौजूद है। तो जो भी मेरे भाई बोल रहे थे कि एहसन भाई कोरे दिखा दें, ऑटोमेटिक गाड़ी दिखा दें, तो उन भाइयों के लिए जो है ये गाड़ी है वाइट कलर में है, तो कलर की भी ये डिमांड आती है कि भाई जो तेज़ चलने वाले कलर हों वो जो है वो दिखाया करें एहसन भाई, तो ये गाड़ी आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं। गाड़ी के हवाले से अगर बात करें, अलॉय रिम वगैरह डले हुए हैं गाड़ी में, गाड़ी का फ्रंट आप लोग चेक कर लें, लाइट्स राइट सीट एंड एवरीथिंग सब कुछ क्लियर जो है वो बिल्कुल आप लोग को नज़र आ रहा होगा, ओरिजिनल नंबर प्लेट चली हुई है गाड़ी के अंदर। बाकी चलते हैं कि इसका पूरा ओवरव्यू मैं आप लोग को दिखाऊं, तो सारी साइडें आप लोग जो है वो देखो, कोई स्क्रैच कोई डेंट्स वगैरह जो है मुझे गाड़ी के ऊपर नज़र नहीं आ रहे। गाड़ी का फ्रंट आप लोगों ने देखा, गाड़ी की बैक साइड पे हम लोग आ चुके हैं। गाड़ी की जो बैक की लाइट्स हैं दोनों वो भी जो है वो साफ़ सुथरी हैं, दोनों लाइट्स कोई टूटी फूटी मुझे जो है वो नज़र नहीं आ रही है। यहीं से हम लोग इंटर हो जाते हैं भाई गाड़ी के अंदर और गाड़ी की डिग्गी पहले आप लोग को जो है वो एक नज़र चेक करवाते हैं कि गाड़ी की डिग्गी किस तरीके से है। सो ये आप लोग चेक कर सकते हैं, डिग्गी मैंने जो है वो खोल ली है, यहाँ से आप लोग जो है वो चेक करें जो डिग्गी की सीलें हैं वो क्लियर आप लोग को जो है वो नज़र आ रही होंगी। सारी साइडें मैं आप लोग को जो है वो दिखा रहा हूँ, कोई रस वगैरह नहीं है। ऊपर से कब्जे आप लोग जो है वो देख सकते हैं, इसी तरीके से दोनों कॉर्नर्स जो है वो आप लोग देख लें, ठीक है जी। अंदर आ जाते हैं, सीएनजी वगैरह भी इसके अंदर जो है वो मौजूद है, सीएनजी भी लगी हुई आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ट्रे वगैरह बिल्कुल साफ़ है। गाड़ी की जो रूफ़ है वो मैं यहाँ से आप लोग को जो है वो एक नज़र दिखा रहा हूँ। बाकी चलते हैं फ्रंट साइड से गाड़ी के जो डोर्स हैं वो भी देखते हैं कि भाई फ्रंट साइड से गाड़ी जो है वो किस तरीके से आप लोगों को मिलती है। तो गाड़ी की फुट पैरियाँ, ठीक है जी, दरवाज़ों की जो डोरियाँ हैं सीलें हैं वो आप लोग यहाँ से जो है वो देखें, गाड़ी के डोर पैनल और अंदर से सीट्स वगैरह की अगर बात करूँ, सीट्स वगैरह इन्होंने साफ़ सुथरी मेनटेन रखी हुई हैं। ऊपर से गाड़ी की जो छत है वो आप लोग एक नज़र जो है वो देख लें। बाकी अंदर चलते हैं, अंदर से भी आप लोग को एक नज़र में दिखाऊँ। तो यहाँ से फ्रंट साइड से भी देखें, फ्रंट का जो डोर है इसकी सारी डोरियाँ वगैरह जो है वो आप लोग देख लें, नीचे से फुट पैरियाँ, ऊपर से गाड़ी के पिलर्स और अंदर से डैशबोर्ड वगैरह भी गाड़ी का साफ़ सुथरा है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को जो है वो बताया था। बाकी फ्रंट की जो सीट्स हैं वो भी आप लोग यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। चलते हैं चल के गाड़ी का जो इंजन रूम है वो चेक कर लेते हैं भाई, इंजन रूम से गाड़ी आप लोगों को किस कंडीशन में जो है मिलती है। सो यहीं से हम लोग इंटर हो जाते हैं भाई गाड़ी के इंजन रूम की तरफ, ये भी आप लोग को दिखाएँ। तो फ्रंट पट्टी आप लोग सबसे पहले जो है वो एक नज़र देख लें। इसके अलावा हम बात करें गाड़ी के कुप्पों की, तो नज़दीक से कुप्पे आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा इंजन रूम है। बैक की शील्ड वगैरह भी जो है वो आप लोग देखें, और इसी तरीके से दूसरी साइड का कुप्पे की बात करें तो ये भी आप लोग को क्लियर नज़र आ रहा होगा।
गाड़ी का बोनट की जो सीलें हैं वो आप लोग देख लें। अब हम चलते हैं गाड़ी के ऑनर के पास और गाड़ी की मजीद मालूमात जो है वो ले लेते हैं। तो वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, यासिर भाई। यासिर भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह, यासिर भाई गाड़ी के बारे में डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें सर, क्या मॉडल है? ये 2010 मॉडल है, ऑटोमेटिक है, ओरिजिनल ऑटो है, ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है, टैक्स इसका क्लियर है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं इसके। ठीक है, बॉडी में अगर बात करें यासिर भाई, बॉडी में हल्का फुल्का नीचे नीचे से अगर टचअप हुआ तो हुआ, वरना ओरिजिनल गाड़ी है, पूरी गाड़ी जो है जेन्युइन की। क्या इसकी डिमांड रखी है, मुनासिब प्राइस देने वाली? मुनासिब जो है रमजानों में जो है, अब तो हमसे भी कुछ नहीं बोला जाता 10,80,000 रुपए की डिमांड है और 10,60,000 रुपए में फाइनल देनी है इसको। ठीक है, 10,60 में जो है ये गाड़ी फाइनल देनी है। गाड़ी आप लोगों ने देख ली है। अच्छा सर, क्या एवरेज दे रही है ऑटो में ये थोड़ा सा बताइएगा? 14 एवरेज देती है। और वैसे मैनुअल? मैनुअल का कुछ आइडिया नहीं, ऑटो का एवरेज तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। तो चलिए जी, जो भाई हमारे लेने वाले हैं खासतौर पर जो बोलते हैं कि भाई ऑटो गाड़ी चाहिए और चाहिए तकरीबन 10-11 ऐसी रेंज में हो, तो उस हिसाब की जो है ये गाड़ी है भाई, कांटेक्ट कर सकते हैं। मजीद मालूम ले सकते हैं सर, नंबर अपना शेयर कीजिएगा। 03112986799 यासिर नाम है। ठीक है यासिर भाई, कराची में कहाँ देखें? ये पावर हाउस चरंगी पर, इस लोकेशन पे ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया। होंडा सिटी 2007 मॉडल अभी हमारे पास मौजूद है। तो जो भी मेरे भाई बोल रहे थे कि हसन भाई होंडा सिटी जो है वो कोई दिखा दें, तो उन लोग के लिए जो ये गाड़ी लेके आए हैं और मुनासिब अभी ये डिमांड कर रहे हैं भाई, वरना मार्केट अभी इसकी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बढ़ाई भी है, तो मैंने बोला चलो यार ये गाड़ी आप लोग के लिए ऐड कर लूँ। गाड़ी आप लोग जो है वो देख लो, फ्रंट पे जो है वो ओरिजिनल नंबर प्लेट्स वगैरह लगी हुई हैं, लाइट वेट गाड़ी की जो है वो बिल्कुल ठीक है, साइड है वाइड है आप लोग मेरे साथ साथ देखें, एक पूरा ओवरव्यू गाड़ी का मैं आप लोग को दूंगा, फिर कि गाड़ी के ऑनर से जब बातचीत करेंगे तो मजीद जो इन्फॉर्मेशन है इस गाड़ी के बारे में वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। गाड़ी का फ्रंट आप लोगों ने देखा, गाड़ी की बैक साइड में आप लोग को एक नज़र जो है वो यहाँ से दिखा दूँ, तो गाड़ी का बैक भी आप लोग जो है वो यहाँ से देख लो, बैक की जो दोनों लाइट्स हैं गाड़ी की वो बिल्कुल ठीक आप लोग को जो है वो नज़र आ रही होंगी, ओरिजिनल नंबर प्लेट्स लगी हुई है बैक साइड पे भी। इसी तरीके से अगर बात की जाए गाड़ी की राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड भी आप लोग जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। चलते हैं, चल के गाड़ी का इंटीरियर चेक करते हैं, इंटीरियर से गाड़ी जो है वो किस तरीके से मिल रही है। तो यहाँ से मैं इंटर हो जाता हूँ भाई गाड़ी के अंदर, दरवाज़ों की जो किनारियाँ हैं वो आप लोग जो है वो चेक कर लें, ठीक है जी। नीचे से गाड़ी की फुट पैरियाँ आप लोग जो है वो देख लें, ऊपर से गाड़ी के जो पिलर्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं। अंदर आ जाते हैं, गाड़ी का जो डैशबोर्ड वगैरह है वो साफ सुथरा नज़र आ रहा होगा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे जो है ये गाड़ी है। गाड़ी की सीट्स की बात की जाए, आफ्टर मार्केट सीट कवर्स वगैरह गाड़ी के अंदर जो है वो मेंटेन हुए हैं। गाड़ी की बैक साइड से मैं आप लोगों को जो है वो दिखाऊं ड्रोर्स वगैरह, तो यहाँ से जो है वो आप लोग देख लें, नीचे से गाड़ी की फुट पैरियाँ, ऊपर से गाड़ी के पिलर्स, और इसी तरीके से जो है वो दरवाज़ों की जो किनारियाँ हैं वो भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं। चलते हैं, चल के जो है वो एक नज़र पहले आप लोग अंदर से देखें, ये सीट्स देख लें, ठीक है जी, और गाड़ी की रूफ देख लें। बाकी मैं आप लोगों को गाड़ी की डिक्की भी चेक करा देता हूँ, गाड़ी की डिक्की जो है वो आप लोगों को किस तरीके से मिलती है। तो यहाँ से इंटर होते हैं भाई डिक्की के अंदर हम लोग, तो ये आप लोग जो है वो चेक करें, ऊपर से जो डिक्की की सीलें हैं वो आप लोग जो है वो एक नज़र देख लें, पूरा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है जी। नीचे आ जाते हैं, नीचे से मैं आप लोगों को दिखाऊँ, तो शीट वगैरह प्रॉपर जो है वो लगी हुई है, नीचे वाली जो साइड है ये देख लें, यहाँ पर एक्स्ट्रा टायर वगैरह भी गाड़ी के अंदर मौजूद है। अब चलते हैं, चल के गाड़ी का इंजन रूम देखते हैं। उससे पहले भाई हमें साइडें दिखा रहे हैं जरा सी, ये भी मैं आपको दिखा दूँ, तो ये आप लोग जो है वो देख लो अंदर से भी, ठीक है जी, सिर्फ मिट्टी है और कुछ नहीं, और वहाँ से भी दिखा रहे हैं भाई, वहाँ क्लिप लगे हुए छोड़ दें, तोड़ेंगे क्लिप खराब हो, ये देखें भाई, ये भी आप लोग देख लें। अब गाड़ी का इंजन रूम चल के देखते हैं, इंजन रूम से गाड़ी कैसी है ये। तो गाड़ी का इंजन रूम भी आप लोगों को विजिट करवाएं एक नज़र, तो सबसे पहले आप लोग गाड़ी की जो फ्रंट साइड है वो एक नज़र जो है वो देखें, ठीक है जी। ड्राई बैटरी वगैरह डली हुई है इसके अंदर, गाड़ी के जो कुप्पे हैं वो आप लोग नज़दीक से देख लें, बैक की शील्ड वगैरह मैं आप लोगों को एक नज़र जो है वो दिखा रहा हूँ, और इसी तरीके से जो है वो दूसरी साइड का कुप्पा भी आप लोग देख लें। तो ये पूरा एक ओवरव्यू है गाड़ी का भाई, गाड़ी के ऑनर से बातचीत करते हैं और मजीद इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इस गाड़ी के बारे में। एहसान भाई, तोहफा है, तोहफा आपके व्यूअर्स के लिए बेहतरीन तोहफा लेके आए हम 2007 की सिटी। क्या बात है सर, यानी कि आज आप भी तोहफे लाने लगे, अली भाई को देख लिया आपने? सर आपके अली भाई को तो देख लिया, पर हमने बोला एहसान भाई की वीडियो के ऊपर तोहफे चलते हैं, तो इसलिए हम तोहफे लेके आए। क्या बात है सर, इस गाड़ी के बारे में डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें सर, 2007 की सिटी जो है वो नजर आ रही है हमें जी। कैसी गाड़ी है सर ये? सर ये गाड़ी इंजन सस्पेंशन वाइज अच्छी है, सही है, छत बोनट डिग्गी ओरिजिनल है, इसके फेंडर वगैरह सारे ओरिजिनल है, छोटे मोटी गाड़ी के टचअप हुए में, इतनी खास गाड़ी पेंट वगैरह नहीं हुई, और ये डीलर हजरात के लिए वाकई में तोहफा है, यानी कि डीलर हजरात के लिए रेट है, डीलर हजरात के लिए रेट है, ये नहीं कि पार्टी के लिए तोहफा है, डीलरों के लिए तोहफा है। सही है सर, क्या इसकी डिमांड कर रहे हैं गाड़ी की? सर इसकी डिमांड विमांड कुछ भी नहीं, बिल्कुल फाइनल डेडलाइन इसके देने वाले 1700 में देंगे, ऑटो गाड़ी सिटी।
ठीक है भाई, 17 लाख रुपए में ऑटो सिटी आप लोगों को मिल रही है अपने इंजन के ऊपर, ब्लैक कलर में 2007 मॉडल। और टचअप वचअप में क्या है थोड़ा सा बता दें सर। टचअप साइडें आप लगाओ, पर साइडें भी इस हिसाब में नहीं है, पिछले फेंडर दोनों गाड़ी के जेनियन है, ठीक है, दरवाजे और ये फेंडर आगे के नीचे नीचे से कलर है गाड़ी के। बाकी बोनट आप दिखा सकते हैं, ये बोनट है गाड़ी का, सही है, छत वगैरह ठीक है, यानी कि छत वगैरह, बोनट वगैरह, पिलर्स, गाड़ी के पिछले फेंडर, डिग्गी वगैरह, हर चीज ओरिजिनल पर है। ठीक है जी, 17 लाख रुपए में ये गाड़ी जो है 17 लाख रुपए दे देंगे। चलें, अपना नंबर भी हमें बताइएगा, 0316-0316-2588-2588-062-062। कराची में कहाँ देखें सर ये गाड़ी? सर ये गाड़ी आप पुराना गोलीमार पे विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। 1996 मॉडल की होंडा सिविक हमारे पास मौजूद है। तो जो भी मेरे भाई बोल रहे थे कि एहसन भाई कोई सिविक दिखा दें पीछे के मॉडल, तो उन भाइयों के लिए जो है ये गाड़ी लेके आया हूँ, हल्की फुल्की मॉडिफाई करवाई है भाई ने। गाड़ी काफी साफ सुथरी कंडीशन में है, लाइट वाइट ब्लैक कर रखी है, क्रोम हल्का सा शेड उसके अंदर दिया हुआ है, गाड़ी पे लिपिंग शिपिंग हुई हुई है, बॉडी किट वगैरह जो है वो गाड़ी पे डली हुई है। तो देख लें भाई, जो भी हमारे भाई हैं मॉडिफाई गाड़ियों के थोड़े से लवर्स हैं, तो सिंपल भी है, मॉडिफाई भी, एक अच्छा सा लुक दे रही है गाड़ी, दिखाने की वजह यही है। अलॉय रिम्स गाड़ी के अंदर जो है मौजूद है। टायर वगैरह की कंडीशन की अगर बात करूँ तो ये भी मैं नज़दीक से आप लोगों को यहाँ से एक नज़र जो है वो दिखा रहा हूँ। बाकी चलते हैं, एक पूरा ओवरव्यू गाड़ी का जो है वो देखते हैं किस तरीके से गाड़ी आप लोगों को मिल रही है। तो कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, कोई डेंट्स वगैरह नहीं है, गाड़ी इन्होंने रिसेंटली जो है ये कलर वगैरह करवाई है मेरे ख्याल से, तो कोई मुझे इसके ऊपर डेंट स्क्रैचेस वगैरह नज़र नहीं आ रहे हैं। गाड़ी की जो दोनों लाइट्स हैं वो बिल्कुल ठीक आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। इसी तरीके से मैं बात करूँ गाड़ी की दूसरी साइड की, तो यहाँ से भी आप लोग जो है वो एक नज़र देख सकते हैं। सो ये एक ओवरव्यू हो गया भाई बॉडी के हिसाब से, ऊपर ऊपर से गाड़ी आप लोगों को दिखा दी। गाड़ी की डिग्गी में आप लोगों को जो है वो चेक करवा देता हूँ कि गाड़ी की डिग्गी किस तरीके से जो है मौजूद है। तो भाई आ गए भाई, और रिमोट वाली जो है वो डिग्गी है, इन्होंने रिमोट पर उसका कंट्रोल दिया हुआ है। ऊपर से आप लोग किनारियाँ वगैरह सारी चीज़ें जो है वो चेक करें, ठीक है जी। नीचे आ जाते हैं, टॉप कवर वगैरह गाड़ी के अंदर जो है वो रखा हुआ है। इससे मज़ीद नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है वो नीचे की साइडें भी मैं एक नज़र दिखा रहा हूँ। पाने वाने जैक वगैरह हर चीज़ गाड़ी के अंदर मौजूद है। चलते हैं, चल के गाड़ी के दरवाजे वगैरह चेक करते हैं भाई, दरवाज़ों से कैसी है ये गाड़ी। तो यहाँ से जो है वो इंटर होते हैं हम लोग, तो ये आप लोग जो है वो चेक करें। नीचे से दरवाज़ों की सारी जो फुटपैरियाँ वगैरह हैं वो आप लोग को एक नज़र जो है वो दिखा रहा हूँ। दरवाज़ों के कॉर्नर्स जो है वो आप लोग देखें, ऊपर से गाड़ी के जो पिलर्स हैं वो एक नज़र जो है वो आप लोग देख लें। अंदर से सीट्स की अगर बात करूँ तो आफ्टर मार्केट सीट कवर्स वगैरह गाड़ी के अंदर जो है वो मेंटेन हुए हुए हैं। फ्रंट साइड का डोर मैं आप लोग को एक नज़र दिखाता हूँ, तो फ्रंट का डोर आप लोग यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें गाड़ी के डैशबोर्ड वगैरह की, तो डैशबोर्ड वगैरह भी यहाँ से जो है वो देख लें। तो ये एक पूरा ओवरव्यू है गाड़ी की, सीट्स वगैरह फ्रंट साइड की आप लोग देखें, ऊपर से पिलर्स, नीचे से फुटपैरी। और अब चलते हैं, चल के गाड़ी का जो इंजन रूम है वो आप लोगों को दिखाते हैं कि भाई इंजन रूम से ये गाड़ी आप लोगों को किस कंडीशन में मिलती है। तो यहाँ से हम लोग जो है वो इंटर हो जाते हैं गाड़ी का इंजन रूम के लिए। तो ये आप लोग जो है वो देख लें, सबसे पहले आप लोग गाड़ी की जो फ्रंट पट्टी है वो एक नज़र जो है वो देखें, ठीक है जी। इसी तरीके से गाड़ी के कुप्पे वगैरह दिखाऊँ नज़दीक से मैं, तो इंजन रूम काफ़ी साफ सुथरा इन्होंने सिमटा हुआ जो है वो रखा हुआ है। गाड़ी की बैक की शील्ड देखिए आप लोगों ने, ड्राई बैटरी है, और इसी तरीके से दूसरी साइड का कुप्पा भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट ओवरव्यू है भाई इंजन रूम का भी। गाड़ी के ऑनर की तरफ चलते हैं, मालूम करते हैं भाई इस गाड़ी की क्या डिमांड है और गाड़ी कितने में जो है वो देंगे। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं इब्तिसाम भाई, जिनकी ये गाड़ी है। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं सर, माशाल्लाह से गाड़ी आपने काफ़ी अच्छे लुक में बनाई हुई है, इसके बारे में डिटेल्स वगैरह हमारे साथ शेयर करें सर। क्या हिसाब किताब है गाड़ी का? जी ये 1996 का मॉडल है, इंजन इसका चेंज है, स्मार्ट कार्ड पर अपडेट है, एसी ऑन है, रिम गाड़ी में रिम टायर नए डलवाए, गाड़ी में बॉडी किट वगैरह डाली है, एसी ऑन है, सस्पेंशन ओके, सामान से गाड़ी कंप्लीट है, इंटीरियर के हर चीज़ से ओके, गाड़ी चलने वलने में हर चीज़ क्लियर है। ठीक है, क्या एवरेज वगैरह कर रही है गाड़ी? कोई 9-10 का एवरेज देती है शहर में, विदेशी विदेशी। चलिए जी, यानी कि अभी कोई घर वाला बंदा लेता तो कुछ करवाने की जरूरत नहीं, नहीं कराना, ले और चला है, साइलेंट है बिल्कुल, चल बिल्कुल साइलेंट है। ठीक है, क्या पैसे बोल रहे हैं सर आपने? जायज मुनासिब बोलिएगा, देखें पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग डिमांड ज्यादा कर जाते हैं, फिर बाद में ये होता है कि लोग बोलते हैं यार कुछ तो सुन के ही भाग जाते हैं कि यार डिमांड इतनी ज्यादा, तो फाइनल वो एक डिमांड होती है, कमी पेशी हो जाती है उसमें। इसकी डिमांड वैसे मैंने 8.25 लाख रखी है। ठीक है, बाकी कोई आपके चैनल से आएगा तो उसके लिए डिस्काउंट कर देंगे। अच्छा, डिमांड यानी कि फिर भी आपने रख ली, कोई लगी ऑफर 8 के अंदर में देंगे इंशाल्लाह, 8 के अंदर में देंगे। तो भाई देख लें, 8 से थोड़ा सा नीचे भी आपको गाड़ी जो है ये मिल जाएगी, बातचीत कीजिएगा इंशाल्लाह, आपको सौदा जरूर बनेगा। अपना नंबर हमारे पास 0335-32-72-702। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलते चलते हमें मिल गए हैं कुछ और सब्सक्राइबर, हमारे साथ मौजूद हैं नासिर अली साहब, और आपका क्या नाम है? अली। तो माशाल्लाह से भाई दोनों हमारे सब्सक्राइबर हैं सर, कैसे हैं आप?
बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सर। कोई हमारे चैनल के हवाले से कोई सर, बहुत अच्छा माशाल्लाह आप सबसे गाइड बहुत अच्छा करते हैं, अच्छे तरीके से चीजें बताते हैं जो हमको घर पे बैठ के वीडियो में भी समझ में आती है, वरना ये कि बाकी लोगों की हम वीडियो भी देखते हैं समझ में कुछ नहीं आता। अरे जज़ाकअल्लाह माशाल्लाह, ये कि एक ही चीज़ हमें समझ में आ जाती है। तो मकसद ये कि हम चाहें तो आपको अगर वीडियो पे सेल गाड़ी हम खरीद भी सकते हैं। अरे सर क्या बात है, अच्छा बता दे, जबरदस्त। देखें भाई, भाइयों आप लोगों की मोहब्बत है, भाई मिल गए फाइनली, भाई से मुलाकात हो गई। भाई आज की वीडियो में अली भाई और आप दोनों जो है मौजूद हैं, इंशाल्लाह ताला शाम में वीडियो तो आपने जो है वो जरूर देखी है। चलें अल्लाह हाफिज़, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। रोजा खुलने में रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। मार्केट की कंडीशन ये बताऊं तो भाई सब लोग सो रहे हैं गाड़ियों में अपने अपने बैठ के। आज बहुत ज़्यादा सन्नाटा रहा, बहुत ज़्यादा यानी कि जिसको बोलता हूँ बहुत हल्की मार्केट थी भाइयों। बाकी ये क्या आप लोग की पसंद की गाड़ियाँ जो है वो ऐड करती थी, आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि लाइक वाइक कर दी होगी। तो हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई एंड तक वीडियो देख लिया करो, क्योंकि मार्केट के हाल चाल बताता हूँ। अभी मैं अगर ऐसे घुमाऊँ तो ये देखें सन्नाटा, चेक करें आप मार्केट में। और ये भाई गवाही दे रहे हैं हमारे सन्नाटे की। कैसी थी आज मार्केट भाई? सच्ची बताइएगा, आप तो खड़े में ना गाड़ी सेल कर रहे हैं। बिल्कुल ठंडी थी मार्केट, बिल्कुल ठंडी थी। तो ये चेक कर लें नादिर भाई, आप बताएं ठंडी थी यानी भाई इतना बताएं सर? ठंडी नहीं थी भाई, वो बर्फ थी। बर्फ इसलिए थी गाड़ियों के पैसे इतने मांग रहे हैं लोग, तो बिकेगी कहाँ से, लोग कौन आएंगे यहाँ पर। तो चलो भाई, ये नादिर भाई ने सच्चाई बयान कर दी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि संडे कार बाजार की जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल के ऊपर आप लोग को मिल रही होती हैं। तो बस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।